हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जनवरी के जो मैंने 1100 क्वेश्चन कवर किए थे उनमें से बेस्ट 200 क्वेश्चन आप तक लेकर आऊंगा। ये वो वीडियो है जिसका आप में से बहुत लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो 1000-1100 क्वेश्चन है उनको करने में असमर्थ पाते हैं, तो मैं उनमें से 200 क्वेश्चन चूज करता हूं। और थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं मेरे को, 220 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इसमें, थोड़े से 20 ज्यादा और करने पड़ेंगे आपको। तो शुरू करता हूं वीडियो हिंदी में, मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज इन सब कोर्सेज के लिए उपलब्ध हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस के लिए भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश पीएससी का हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, इसको बनाया है मध्य प्रदेश पीएससी की रैंक वन संपदा सराफ ने, तो ये लॉन्च करने वाले हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो studyiq.com जरूर आप विजिट करें। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, लगभग 7000 स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे। या फिर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है गौरव गर्ग 888। तो चलिए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं जनवरी के बेस्ट 200 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आपको यह बता देता हूं कि जो 69th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, इसमें सबसे अच्छी झांकी यानी टैबलो का विनर कौन था। तो स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू और वो दिखाया था, उनको याद करने के लिए झांकी दिखाई थी, वो बेस्ट चुनी गई है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट आर्मी का जो पंजाब रेजिमेंट है उसका चुना गया है ट्राई सर्विसेज में। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट पैरामिलिट्री और अदर ऑक्सिलरी में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। याद रखिए, 20 साल में पहली बार इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की झांकी निकली है और ऑल इंडिया रेडियो की भी पहली बार निकली है। यूनियन मिनिस्ट्रीज में जो टैबलो सबसे अच्छा था वो था खेल मंत्रालय का, खेलो इंडिया के लिए। आपको बता दूं, खेलो इंडिया जो है स्टार स्पोर्ट्स पे टेलीकास्ट किया जाएगा और खेलो इंडिया के अंदर 17 साल से कम उम्र के बच्चे खेलेंगे। और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुए, रंगारंग कार्यक्रम, उनमें साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर का बरेडी डांस, जो मध्य प्रदेश का डांस है, उसको बेस्ट परफॉर्मेंस डिक्लेयर किया गया। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं भाई कौन सा रिपब्लिक डे था, तो ये था 69th। पहला जो सवाल है वो है कि 25वां एयर डिफेंस डे ये किस दिन मनाया गया। एयर डिफेंस डे, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनका नाम है बी एस धनोआ, आर्मी के हैं बिपिन रावत और नेवी के हैं सुनील लांबा। ये होता है 10 जनवरी को, 10th जनवरी। ये इंपॉर्टेंट डे है जो आपको याद रखने हैं जनवरी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ये जिन्होंने ब्रेल भाषा बनाई थी दृष्टिहीनों के लिए, लुइस ब्रेल, उनका जन्मदिन होता है। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। इसको याद रखने का तरीका ये है, विवेकानंदा जब लिखते हैं तो इसमें 11 डिजिट हैं, तो इसमें एक और जोड़ लीजिए तो हो गए 12 जनवरी। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, इस ये वो दिन है जिस दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने पहले कमांडर इन चीफ की भूमिका संभाली भारतीय आर्मी की 1949 में, इसको मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। गोवा का ओपिनियन पोल डे होता है 16 जनवरी। ओपिनियन पोल डे मतलब ये है, गोवा से ये पूछा गया, क्या आप महाराष्ट्र के साथ जाओगे, महाराष्ट्र में मर्ज हो जाओगे, विलय आपका हो जाएगा, या आप इंडिपेंडेंट रहोगे। तो गोवा ने कहा हम महाराष्ट्र के साथ नहीं जाएंगे। ये वो दिन है 16 जनवरी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो आपदा प्रबंधन करती है उसका 13वां रेजिंग डे 19 जनवरी को था, 13वां, ये भी याद रखिए 13वां था। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, और ये इस बार 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, 2011 में स्टार्ट किया था मनमोहन सिंह ने। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटूट डे था वो था 25 जनवरी, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 27 जनवरी को वो लोग जो प्रलय में मारे गए होलोकॉस्ट में, जब हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी याद में हम करते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और इस बार इसका थीम था होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 28 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और 28 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रसी डे। तो ये चीजें याद रखिए। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पे, इनमें से कौन सी भारत की ऑर्गेनाइजेशन है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या नेत्र का इस्तेमाल करेगी प्रोजेक्ट्स और जो इनके रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको मॉनिटर करने के लिए। तो ये इस्तेमाल करेगी रेलवेज। भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो हमारे कोयला मंत्री भी हैं। और यूएवी की फुल फॉर्म क्या होती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और ये जो नेत्र है इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और एक कंपनी ने और मिलकर बनाया है, जिसको बोलते हैं आइडिया फॉर्ज, FORGE। हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने जो नेशनल ट्रस्ट बोर्ड होता है उसके चेयरमैन की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो कितनी फिक्स कर दी है। ये इन्होंने फिक्स कर दी है 3 साल, 3 ईयर्स इन्होंने ये फिक्स कर दी है। इनमें से भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जिसकी स्पीड मल्टी पेटाफ्लॉप्स आंकी गई है, और इसका उद्घाटन करा हमारे साइंस और तकनीक के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री भी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन लोकसभा
सांसद हैं चांदनी चौक नई दिल्ली से, इसका नाम है प्रत्युष, प्रत्युष नाम है इसका। और इसको रखा कहाँ पे है ये भी पूछेंगे, इसको रखा है IITM पुणे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर। और कहते हैं पूरी दुनिया का ये चौथा सबसे तेज कंप्यूटर है और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये क्लाइमेट वेदर मौसम संबंधी उस पर रिसर्च करेगा। इनमें से इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, किसान के बेटे हैं ये, इनका नाम है के सिवान। इससे पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसके चीफ थे, लेकिन अब वो पद खाली हो गया था, तो मैं आगे बताऊंगा वो नए कौन बने। तो के सिवान, इन्होंने AS किरण कुमार जो रिटायर हुए हैं उनके बाद पद संभाला है। इसरो भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शाखा है, ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी स्पेस एजेंसी है। और इसरो की जो कमर्शियल आर्म है, जो व्यावसायिक जो बॉडी है, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, ANTRIX। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो सूरज ग्रह को स्टडी करने के लिए अपना मिशन चला रहा है जिसका नाम है आदित्य एल वन। इनमें से किसको लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया फ्रांस गवर्नमेंट ने 42वें कोलकाता बुक फेयर में, ये सबसे ऊंचा अवार्ड है फ्रांस में, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये एक्टर हैं, और ये जो 42वां कोलकाता बुक फेयर हुआ था इसमें जो फ्रांस था वो थीम कंट्री था, तो इनका नाम है सौमित्र चटर्जी। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक सीक्रेट सैटेलाइट मिशन अभी अभी शुरू करा है, इसका कोड नेम है जूमा, जूमा नाम का मिशन करा है SpaceX ने। SpaceX का रॉकेट जो है उसको बोलते हैं Falcon 9, और SpaceX कंपनी के CEO हैं एलॉन मस्क, MUSK। और जाक्सा बोलते हैं जापान की स्पेस एजेंसी को, जैपनीज एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रोस कोसमोस बोलते हैं रशिया की स्पेस एजेंसी को, चाइना की स्पेस एजेंसी को बोला जाता है CNSA, और जर्मनी की बहुत पूछते हैं एग्जाम में DLR। इंडिया की इसरो पता है आपको, अमेरिका की नासा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया था अभी, फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये पुलिकट लेक पे मनाया गया, और साथ ही साथ नैलापट्टू बर्ड सेंचुरी। अब ये बताइए नैलापट्टू, देखिए नैलापट्टू नाम से पता चल रहा है दक्षिण भारत का नाम लग रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा, और आंध्र प्रदेश का एक डांस है जिसको बोलते हैं कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, TDP। आंध्र प्रदेश ने अभी अभी कापूस को रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में तीन मुख्य कास्ट होते हैं, एक होते हैं रेड्डी, एक होते हैं नायडू, और एक होते हैं कापू। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो साइड बाय साइड बताता चलता हूं, इनको भी याद आप रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो जनवरी के महीने में मनाए गए। आराधनी म्यूजिक फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया गया, आराधनाई म्यूजिक फेस्टिवल। धनु यात्रा उड़ीसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धनु यात्रा। उत्तरायण त्यौहार गुजरात, ये बेसिकली मकर संक्रांति है, कोई अलग से त्यौहार नहीं है, इसको गुजरात में उत्तरायण के तौर पर मनाते हैं। माघ बिहू, बिहू जो है ये असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट का त्यौहार बीकानेर राजस्थान में। रामायण फेस्टिवल आसियान कंट्रीज का नई दिल्ली में, आसियान में 10 कंट्री हैं और सारे आए थे इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर, 10 के 10 आए थे, कंबोडिया और लाओस तक भी आए थे जो चाइना के काफी क्लोज माने जाते हैं। चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कचरा महोत्सव हुआ रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है ये रायपुर। अगर वैसे एग्जाम में पूछे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे रायपुर नहीं, नया रायपुर, तो ये नई राजधानी बना रहे हैं नया रायपुर। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों का त्यौहार उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और यहाँ पे दूधवा नेशनल पार्क है वहाँ पे मनाया गया। मायलापुर त्यौहार मनाया गया तमिलनाडु में, और 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑन आर्ट एंड आर्टिस्ट मनाया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, जहाँ इस साल हॉकी का वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। और 22वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया ग्रेटर नोएडा में, जो NCER के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2018 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसके हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा 2018 वित्तीय वर्ष में। भारत का GDP ग्रो करेगा 7.3%, और 2019 में अगर पूछ लें तो हम ग्रो करेंगे 7.5%। अगर पूछ लें भाई IMF के हिसाब से कितना ग्रो करेंगे, तो वित्तीय वर्ष 2018 में हम ग्रो करेंगे 6.7%, वित्तीय वर्ष 2019 में हम ग्रो करेंगे 7.4%, और वित्तीय वर्ष 2020 में हम ग्रो करेंगे 7.8%। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, BRETON, ब्रेटन वुड्स ट्विन, और दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन DC को वॉशिंगटन DC इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉशिंगटन जो थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स इंडेक्स को टॉप किया, इसको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और डिलॉयट नाम की कंपनी ने मिलकर पेश किया था। हमारे कॉमर्स मंत्री हैं सुरेश प्रभु, जो पहले रेल मंत्री थे, तो ये टॉप जो किया वो है गुजरात ने किया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गुजरात में चुनाव हुए थे, BJP वापस आ गई, हालांकि काफी करीबी मुकाबला था ये। और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनमें टॉप किया दमन एंड दीव ने। इनमें से किस व्यक्ति को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है दिलीप आसबे, और ये रिप्लेस किसको करेंगे, AP होता को।
एपी होता। इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं जो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, इन्हें 5 महीने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। इनका नाम है यूसुफ पठान, इनके भाई हैं इरफान पठान। और डोपिंग बोलते हैं जब खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विनोद राय, और बीसीसीआई के जो सीईओ हैं उनका नाम है राहुल जौहरी। इनमें से पार्ले एग्रो कंपनी जो है पार्ले, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर फ्रूटी के लिए किसे बनाया है? ये दक्षिण भारत के तेलुगु फिल्मों के एक्टर हैं, इनका नाम है अल्लू अर्जुन। और तेलुगु भाषा 2 राज्यों में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तेलंगाना ने अभी अभी उर्दू को अपनी दूसरी भाषा डिक्लेयर करा है ऑफिशियल। इसके अलावा सिक्किम ने एआर रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इमामी ने बनाया है सलमान खान को, हिंदुस्तान लीवर ने स्वच्छ भारत के लिए बनाया है काजोल को, और हरमन इंटरनेशनल ने बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। इसके अलावा अक्षय कुमार भी स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के लिए और एक उत्तराखंड के लिए। इनमें से कौन सा एक्टर है जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है, इसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार। इनकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है पैडमैन। चलिए अब आपके लिए आज का पहला सवाल, और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। पैडमैन असली में एक रियल लाइफ स्टोरी है, ये किसके जीवन पर बनी है? उन व्यक्ति का नाम कमेंट्स में लिख के बताइए जिनके जीवन के ऊपर पैडमैन स्टोरी बनी है, देखते हैं कौन बताता है। तो अक्षय कुमार बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भी बने हैं, ये स्वच्छ भारत के लिए उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण जब हुआ था पिछले साल, तो उसमें भारत का सबसे साफ शहर था इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है, और सबसे गंदा शहर था गोंडा। इसके अलावा भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन था विशाखापट्टनम, जिसे हम विजैक भी बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश के तट पर है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने इंग्लिश को बैन कर दिया है अपने प्राथमिक स्कूलों में, जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती है? ये कह रहे हैं अगर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो फिर पश्चिमी सभ्यता जो बच्चों के ऊपर थोपी जाएगी। तो ये देश है ईरान, हमारा मित्र है ईरान। हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बंदरगाह जिसको बोलते हैं छाबर, और छाबार या छाबर बोल सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए भारत ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पे ग्वादार पोर्ट चाइना ने बनाया है, और अब पाकिस्तान में चाइना अपना दूसरा ओवरसीज मिलिट्री बेस भी बना रहा है। भारत जो है वो भी मिलिट्री बेस बना रहा है अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में, और चाइना ने पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया था जिबूटी नाम के देश में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर है। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने साइंस और तकनीक के क्षेत्र में कौन से देश के साथ MOU साइन करा है? ये देश है कैनेडा। एक इंपॉर्टेंट बात, कैनेडा में एक शहर है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है, जो पूरी दुनिया में ये चेक करता है कि खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं करते। और दुनिया के 3 सबसे बदनाम देश जो हैं जिनके खिलाड़ी सबसे ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, उनमें भारत भी है, रशिया है, इटली है, और भारत है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडियो, कनाडा के जो डिफेंस मंत्री हैं वो एक सरदार जी हैं हरजीत सिंह, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये है सारे MOU जो जनवरी 2018 में साइन हुए हैं। इटली के साथ हमने करा है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट 2022 तक। इसराइल आप जानते हैं, बेंजामिन नतानयाहू यहाँ पे आए थे 6 दिन के लिए, तो इसराइल के साथ हमने बहुत सारे MOU साइन करे हैं, तेल गैस में, फिल्में साथ मिलकर बनाएंगे, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, होम्योपैथी में इत्यादि। UK के साथ हमने करा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलीगल इंडियन माइग्रेंट जो UK में है उनकी वापसी। म्यांमार के साथ करा है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, म्यांमार को पहले बोलते थे बर्मा। रोहिंग्या मुसलमान का यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है राखीन स्टेट के अंदर, और यहाँ की म्यांमार की विदेश मंत्री हैं आंग सांग सू की। बेल्जियम वो देश है जहाँ पे हेडक्वार्टर है नेटो का, ब्रुसेल्स नाम की जगह पे नेटो का हेडक्वार्टर है यहाँ। ICT&E के क्षेत्र में हमने करा है, श्रीलंका के साथ करा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, मलेशिया के साथ करा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में, इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वियतनाम के साथ हमने करा है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लाओपीडीआर, लाओस बोलते हैं इसे, लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें हमने करा है AAI के स्काई रैव 360 के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री भारत आए थे हुन सेन अभी, इनके साथ हमने करा है क्रिमिनल मैटर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इत्यादि। इसके अलावा भारत कंबोडिया में स्टुंग स्वा हब वाटर रिसोर्स को डेवलप करेगा, और उसमें ये लगभग भारत इसमें को 300 करोड़ रुपए का कंबोडिया को लोन भी देगा। कंबोडिया में एक बहुत खूबसूरत मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ये भी याद रखिए। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने एक निगरानी के लिए एक खास जहाज कमीशन करा है, कमीशन मतलब शुरू करा है उससे काम लेना, इसका नाम है चार्ली 435। ये कहाँ पे रखा है इन्होंने जहाज? इस जहाज को रखा है कराईकाल में। ये कराईकाल कहाँ पे है? कराईकाल है पौंडेचेरी में, पौंडेचेरी।
और याद रखिए चंडीगढ़, नागपुर और पांडिचेरी इन्हें स्मार्ट सिटी बना रहा है फ्रांस, और कोची, कोयंबटूर और भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी बना रहा है जर्मनी, पुणे को स्मार्ट सिटी बना रहा है चाइना, अमरावती को स्मार्ट सिटी बना रहा है सिंगापुर। भारत में टोटल 99 स्मार्ट सिटी बनेंगे, पहले बन रहे थे 90, 9 और जोड़ दिए अब तो टोटल हो गए 99। और ये स्मार्ट सिटी वगैरह सब अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब इस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी। इसके अलावा भारत ने कुछ और जहाज भी अभी अभी शुरू करे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे काम लेना बंद करा है। तो जो शुरू करे हैं, एक है ICGSC-161, इसको कमीशन करा है। INS निर्भीक और INS निर्घट, इनको डीकमीशन करा है, मतलब इनकी सेवाएं काम लेना इनसे बंद कर दिया है। और चाइना ने कमीशन करा है अभी अभी रिजहाओ नाम का एक अति शक्तिशाली जहाज। इसके अलावा अगर पूछ लें कि भाई भारतीय तटरक्षक के चीफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह है। इनमें से भारत का कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना है जिसने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया है। देखिए, आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो अलग कार्ड होता है, बस में करते हैं तो अलग होता है। अब ये एक ही मोबिलिटी कार्ड है, मेट्रो में बैठो चाहे बस में बैठो, यही काम करेगा। ये शुरू करा है दिल्ली ने। दिल्ली न्यूज में इसलिए था क्योंकि 20 MLA डिस्क्वालीफाई कर दी है। यहां की असेंबली में जो विधानसभा है 70 सीटें हैं, इनमें 66 आम आदमी पार्टी के पास थी, 4 बीजेपी के पास थी, 20 डिस्क्वालीफाई हो गए, बचे 46 आम आदमी पार्टी के पास और 4 बीजेपी के पास। तो अभी भी काफी इनके पास बहुमत है, तो दोबारा चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन अब काफी संकट में है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं इनके। इनमें से भारत का कौन सा मंत्रालय है जिसने स्मार्ट फ्रीट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं सफूर्ति, ये एक ऐप बनाया है फ्रीट मैनेजर्स के लिए। फ्रीट मतलब जो सामान का आवागमन होता है उसके लिए। तो ये करा है अगेन रेलवेज ने, रेलवेज यूज करेगा सफूर्ति ऐप, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सफूर्ति की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है, भारत 31 दिसंबर 2017, यानी जब हमारा साल खत्म हो गया, तो भारत ने टारगेट रखा था कि हम ये वाला रोग भारत से मिटा देंगे, पर हम नहीं कर पाए। कौन से रोग की बात हो रही है? ये फैलता है लेशमैनिया डोनोवेनी नाम के कॉजल एजेंट से, ये है काला अजहर। काला अजहर हम खत्म नहीं कर पाए भारत से, उसको काला अजहर मुक्त हम अपने देश को नहीं बना पाए। हालांकि अच्छी न्यूज ये है कि भारत ने दो डिजीज ऐसे हैं जिन्हें खत्म कर दिया है जड़ से। एक तो है आंखों का रोग जिसे बोलते हैं ट्रैकोमा, ये आंखों का रोग है, भारत से खत्म हो गया है हमेशा के लिए। और एक मवेशियों का, कैटल का, जानवरों का रोग है जिसे बोलते हैं रिंडर पेस्ट। याद रख लो ये सब, कब क्या पूछ लें कुछ नहीं पता, रिंडर पेस्ट। और भारत ने ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का टारगेट रखा है 2025, मलेरिया को खत्म करने का टारगेट रखा है 2027, और HIV एड्स को खत्म करने का टारगेट रखा है 2030। इनमें से कौन से हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसने ये कहा था कि भाई देखिए भारत में कानून क्या है, अगर आप सिगरेट बेचते हैं तो सिगरेट का जो डब्बा है उसका 85% हिस्सा वार्निंग होनी चाहिए, हेल्थ वार्निंग। लेकिन इनमें से कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये अनिवार्य नहीं है? ये है कर्नाटक का हाईकोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्टे लगा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की बात को नहीं माना है। हमारी जो रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस करा है कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर बनाएगा। कहां पे बनेगा ये? ये बनेगा कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर। इनमें से भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने अपने सारे सरकारी ब्लड बैंक्स को ई रक्तकोश के साथ जोड़ दिया है? देखिए ई रक्तकोश क्या है ये समझ लीजिए। मान लो आप पेशेंट हो, आपको खून की जरूरत है, खून मिलता नहीं है तो पेशेंट मर जाता है। अब ई रक्तकोश के ऊपर जाओ, सारे सरकारी ब्लड बैंक हैं, आपको पता चलता रहेगा रियल टाइम पे कि कितना खून अवेलेबल है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप का अवेलेबल है। तो ये ई रक्तकोश के साथ एकमात्र राज्य जिसने अपने सारे सरकारी ब्लड बैंक को जोड़ा है, ये है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं ब्रह्म महिंद्रा। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड चलाती है भारत में, अब आधार का डेटा तो सेफ नहीं है, हमने देख लिया। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक KYC करवा रहे थे अपने एयरटेल के साथ, एयरटेल ने पेमेंट बैंक खोल दिया उनकी परमिशन के बिना, इससे ही पता चलता है आधार डेटा सेफ नहीं है। इसीलिए अब आधार वालों ने क्या करा है, एक वर्चुअल आईडी बना दिया है। वर्चुअल आईडी में क्या होगा, आपका आधार का सारा डेटा शेयर हो जाएगा, आधार का नंबर सेव नहीं, वो नहीं होगा, शेयर नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत सेफ्टी है इसमें। वर्चुअल आईडी में कितने डिजिट है? वर्चुअल आईडी में है 16 डिजिट, 16 अक्षरों का बना है वर्चुअल आईडी। अगर मैं पूछ लूं भाई आधार कितने का बना है, आधार में है 12। समझ में आया, आधार जो नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 12। ये देखो आधार कार्ड है, ये 12 डिजिट है, और ये न्यूमेरिक है, मतलब सारे नंबर होंगे, ABCDBD नहीं होंगे इनमें। पैन कार्ड में होते हैं 10 डिजिट, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में होते हैं 20 डिजिट, IFSC कोड में होते हैं 11, MICR कोड में होते हैं 9, और MMID में होते हैं 7। MMID समझते हो, अगर आपने IMPS वगैरह किया तो आपको जरूर पता होगा MMID क्या होता है, तो इसमें होते हैं 7। और ये किस तरह के कोड हैं ये सब देख सकते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक, ये भी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, अल्फाबेट भी होंगे, नंबर भी होंगे। मान लो अगर मैं लिखता हूँ A1234 तो ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ 1234 तो ये न्यूमेरिक है, अगर मैं लिखता हूँ ABC तो ये सिर्फ अल्फाबेट है। चलिए, अभी अभी एक
राज्यपालों की कमेटी बनी, उसमें राज्यपाल थे और उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट सबमिट करी है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और किसी समय में बिहार के गवर्नर थे इससे पहले। इस रिपोर्ट का नाम है राज्यपाल विकास के राजदूत, यानी गवर्नर जो हैं वो भारत में सामाजिक बदलाव कैसे ला सकते हैं। इस कमेटी में कितने गवर्नर थे ये बताइए। देखिए इस कमेटी में 5 गवर्नर थे। अब पूछ रहे भाई 5 कौन थे, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के एक ही गवर्नर है ESL नरसिम्हा वो थे, तमिलनाडु के बनवारीलाल पुरोहित थे, उत्तर प्रदेश के राम नायक थे, त्रिपुरा के तथागत रॉय थे और हिमाचल प्रदेश के आचार्य देवव्रत थे। ये थे 5 गवर्नर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप बनाया है, इसका नाम है स्विफ्ट 7। इसकी जो थिकनेस है वो है सिर्फ 8.98 mm, सिर्फ इतना पतला है ये 8.98 mm, दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप बनाया है एसर नाम की कंपनी ने। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, ये जो एसर कंपनी है कौन से देश की कंपनी है, ये जो एसर है ये कौन से देश की कंपनी है कमेंट में लिख के बताओ। इनमें से सिक्किम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, इनका नाम है AR रहमान। याद रखिए सिक्किम भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य है, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, और सिक्किम भारत का पहला और एकमात्र ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग। इनमें से पहला भारतीय कौन बना जिसने एक अंतरराष्ट्रीय पदक जीता है स्कीइंग में, स्कीइंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता अल्पाइन एचडर 3200 कप जो तुर्की में खेला गया, इनका नाम है आंचल ठाकुर और ये है मनाली की। और जब आप मनाली से लेह जाते हैं तो एक आता है रोहतांग पास और एक आता है बारालाचला पास, ये भी याद रख सकते हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा, यहां का एक और इंपॉर्टेंट शहर है इस्तांबुल। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रसीप अर्डोगान। शशिकांत भागवत का निधन हो गया, ये क्या थे कौन थे, ये खेल पत्रकार थे, आपने इनके कॉलम अखबार में पढ़े होंगे, खेल पत्रकार, सो आंसर है जर्नलिस्ट। ये है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई जनवरी में। श्री वल्लभ व्यास, इन्होंने सरफरोश और बहुत सारी फिल्मों में काम करा था, एक्टर थे, बहुत मशहूर एक्टर थे। जेरी वैन डिक एक्टर थे, ये थे US के। चारू रोहतगी ये भी एक्टर। पीटर विनग्रेड एक्टर, ब्रिटेन के थे। आवा मुखर्जी एक्टर थी। सुप्रिया देवी एक्टर। चंद्रशेखर भी एक्टर, और सुप्रिया देवी थी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रशेखर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, कर्नाटक की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके। कृष्ण कुमारी तेलुगु तमिल और कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री थी। अनंत ओझा उड़ीसा फिल्मों के एक्टर और डायरेक्टर थे। काशीनाथ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते थे। गुरचरण सिंह कलकट एग्रीकल्चर कृषि वैज्ञानिक थे, पद्मश्री पद्म भूषण जीत चुके थे। एयर मार्शल असगर खान एयरफोर्स ऑफिसर थे पाकिस्तान के, ये पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के। जॉन यंग अंतरिक्ष वैज्ञानिक अमेरिका के, ये पहले थे जो अंतरिक्ष में 6 बार गए थे। जो व्हाइट बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अमेरिका के। चांदी लहरी ये कार्टूनिस्ट थे। WB राव सिनेमाटोग्राफर। सुलेमान दिक अबद क्रिकेटर साउथ अफ्रीका के थे। MV पाइली ये मशहूर एजुकेशनिस्ट केरला के। ब्रिगेडियर कपिल मोहन एंटरप्रेन्योर। तत्सुरो टोयोटा एंटरप्रेन्योर जापान के, टोयोटा कंपनी के प्रेसिडेंट थे। टोयोटा वो कंपनी है जापान की गाड़ियों की जो दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है। हॉन्सन लिंगडो एंटरप्रेन्योर मेघालय के थे, बिजनेसमैन थे। पीटर सुदरलैंड ये आयरलैंड के फर्स्ट WTO डायरेक्टर जनरल थे, याद रखिए डायरेक्टर जनरल, अभी जो रॉबर्टो अजावाडो हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जिमी आर्मफील्ड फुटबॉलर इंग्लैंड के। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो एक्सपायर हुए हैं। ये ओबिचोरी हमेशा बहुत डिफिकल्ट रहते हैं क्योंकि इतने सारे लोग एक्सपायर होते हैं हर महीने, तो उनके नाम याद रखना और वो कहां से थे और क्या करते थे, लेकिन दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हुज मसेकेला ये जैज बजाते थे, साउथ अफ्रीका के थे। एन के ट्रिका जर्नलिस्ट। NV शंकरन जर्नलिस्ट तमिलनाडु के थे। अनिंदे सेन गुप्ता जर्नलिस्ट। R मरगाबंधु पॉलिटिशियन तमिलनाडु के। मधु कर्राव किमटका पॉलिटिशियन महाराष्ट्र के, कांग्रेस पार्टी के थे। वसंत देव खड़े पॉलिटिशियन NCP पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी जो है। KK रामचंद्र नायर केरल के पॉलिटिशियन थे, CPIM वामपंथियों के। सत्येंद्र कुशवाहा पॉलिटिशियन थे, बिहार के BJP के थे। बिंदु लाल पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश के, BJD पार्टी के थे, BJP के थे। रघुनाथ झा ये जो लालू की पार्टी RJD उसके नेता थे। NS फरांडे ये महाराष्ट्र के BJP के पॉलिटिशियन थे। खगन दास त्रिपुरा में वामपंथी CPI लेफ्ट के नेता थे। और CPIM जो है भारत में दो ही राज्यों में इनकी सरकार है, एक केरल में और एक त्रिपुरा में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार। मनजीत सिंह कलकत्ता ये पंजाब के थे, तो एक कलकत्ता से अभी मैं सोचिए कलकत्ता के थे पंजाब के थे। श्रीनिवास तिवारी ये मध्य प्रदेश, ये भी पॉलिटिशियन है। रॉय बेनेट ये जिम्बाब्वे के पॉलिटिशियन थे। यशवंत चवन ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन थे। इसके अलावा सक्षम यादव पावर लिफ्टर थे, ये चैंपियन थे सक्षम यादव। पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता सरोड़ बजाते थे वाद्य यंत्र। बलदेव राज साइंटिस्ट। राधा विश्वनाथन सिंगर। सुखचैन सिंह चीमा पहलवान थे।
अम्बला बनेर शिवनंदन ये लेखक थे श्रीलंका के, दूधनाथ सिंह लेखक थे उत्तर प्रदेश के, लेजली हार्डिंग ये मेघालय की राइटर थी और उर्सुला लगुइन ये यूएस के राइटर थी। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, किशोरी अमोंकर का निधन हो गया था अभी अभी, ये किस लिए फेमस थी, लिख के बताओ कमेंट्स में। राजेश रंजन ये भारत के कौन से देश में नए राजदूत बने हैं? अब या तो वर्ड हम यूज करते हैं राजदूत, या हम यूज करते हैं उच्चायुक्त, उच्चायुक्त यूज करते हैं हम कॉमनवेल्थ कंट्री में, तो ये कंट्री कौन सा है, ये है बोट्सवाना। बोट्सवाना की राजधानी पूछ लूंगा तो आप सब चुप हो जाओगे, बता देता हूं, गाबोरोन, और मुद्रा है इसकी पुला। ये कुछ और राजदूत बने भारत के नए, श्री कुमार मेनन बने हैं अंगोला के, सेवांग नामग्याल बने हैं पोलैंड के, राजेश अग्रवाल बने हैं नाइजर के। आज तक के इतिहास का सबसे अमीर आदमी कौन डिक्लेयर किया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में? इनकी संपत्ति है $106 बिलियन। अभी कितनी होती है ये मत पूछना। अमेजॉन कंपनी के मालिक है, इनका नाम है जेफ बेसोस। वॉरेन बफेट की कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट सब जानते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे ये किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। और याद रखिए, नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। भारत में हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, दुनिया में हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। मुंबई का कौन सा ऐसा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, जिसका संचालन महिलाएं करेंगी, सिर्फ महिलाएं? ये है मातुंगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये मनकेडिया नाम का एक ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी समुदाय है मनकेडिया। इनको उड़ीसा के कौन से जंगल से निकाल दिया गया है, कौन से टाइगर रिजर्व में रहते थे ये सिंपलीपाल में रहते थे, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, वहां से अभी ने निकाल दिया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उड़ीसा में छिलका लेक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी को लेकर विवाद चल रहा है। एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है एजुकेशन का, उसने कमेटी बनाई ये चेक करने के लिए कि क्या भारत में हम लड़कियों के लिए जो एजुकेशन है बिल्कुल प्राइमरी से लेके और एकदम पोस्ट ग्रेजुएट तक, क्या हम फ्री कर सकते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने करी? इस कमेटी की अध्यक्षता करी कदियम श्रीहरि। और ये कदियम श्रीहरि है कौन? ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी सीएम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं कदियम श्रीहरि। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन करा है सऊदी अरब के साथ, अब जो हज में लोग जाते हैं, श्रद्धालु मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, हज यात्रा करते हैं, तो अब वो जेद्दा से समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं, ये करा है भारत ने। और ये 23 साल के बाद ये रास्ता दोबारा खोला जाएगा। हज सब्सिडी भारत की सरकार ने हटा दी है, और भारत में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन है वो है गैरुल हसन रिजवी, और भारत के नेशनल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इनमें से पहला अमरीकी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड कौन सा बैंक जून 2018 में शुरू करेगा? ये बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और एक बात और बता देता हूं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, भारत इससे सबसे ज्यादा लोन लेने वाला कंट्री बना 2017 के अंदर, और ये चाइना डोमिनेटेड बैंक है। इस बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सा है चाइना का, दूसरे नंबर पे है भारत का। इस बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिन लीकन, ये चाइना के पूर्व वित्त मंत्री थे। इस बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बैन कर दिया है? अब आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी इस राज्य में नहीं पी सकते। इस राज्य के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बताइए किस राज्य की बात हो रही है? बिहार की बात हो रही है, बिहार। और बिहार जो है ये यहाँ पे एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इनमें से जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इन अभी विंटर ओलंपिक गेम होने वाले हैं प्योंगचैंग में। प्योंगचैंग कहाँ है? साउथ कोरिया में। तो जो 23वें विंटर ओलंपिक खेल होंगे, इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना शेफ डम मिशन किसे चुना है? इनका नाम है हरजिंदर सिंह, और ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी अगर मैं पूछ लूं प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर मैं पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है थॉमस बाक, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? लॉजैन। कहां है? स्विट्जरलैंड। चलिए, हमारी जो सरकार है वो भारत नेट प्रोजेक्ट बना रही है। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? जो हमारी ग्राम पंचायत है उनमें इंटरनेट बिछाया जाएगा, इंटरनेट की ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएंगी, और उनमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा हमारी ग्राम पंचायत में। और ये हमारे संचार मंत्री हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। आपको ये बताना है कितनी ग्राम पंचायत के अंदर इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाया जाएगा। तो ये है 1.1 लाख लगभग, 1.1 लाख। और इसका जो डेडलाइन क्या है अगर पूछ लें तो,
मार्च 2019 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। और इसका टारगेट कितना है टोटल, देखिए ये तो बात हो रही है सिर्फ जो पहला चरण है, टोटल अगर पूछ लें कितनी ग्राम पंचायत में इंटरनेट दिया जाएगा, 2.5 लाख। मैं रिपीट करता हूं, 2.5 लाख। और भारत में गांव कितने हैं, लगभग 6 लाख, 6 लाख से कुछ ज्यादा। तो 2.5 लाख में इंटरनेट दिया जाएगा मार्च 2019 तक। इनमें से महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो इनके पिता थे उनके नाम पे अवार्ड देते हैं पॉलिटिक्स में ईमानदारी के लिए, प्रोबिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ, ये अवार्ड दिया एनएन वोहरा ने, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, ये है एनएन वोहरा। ये किसे दिया, ये दिया नीतीश कुमार को। इनकी पार्टी का क्या नाम है, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू पार्टी है, भाजपा के साथ गठबंधन है। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो याद रखने हैं, समुद्र मंथन केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर भंडारकर शिपिंग ने दिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को। याद रखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है और इसको हम बोलते हैं नावा शेवा, इसका दूसरा नाम है। जनकावी समलराम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये अवार्ड मिला है सुधीर दलवी को, मशहूर एक्टर है सुनील दलवी, जानकी जानकवी सवलराम अवार्ड मिला है। कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड, कीगा अवार्ड, ये मिला है नर लोकेश को। इनोवेशन इन टूरिज्म एंटरप्राइज अवार्ड, यूनाइटेड नेशन WTO अवार्ड उसने दिया है मंगल जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट को। बेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड मिला है शेप ऑफ वाटर, गिलर्मो डेल टोरो ने इसको डायरेक्ट किया है। स्पेशल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म इन द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री के लिए, सचिन अ बिलियन ड्रीम, सचिन तेंदुलकर के जीवन पर ये डॉक्यूमेंट्री है, ये मिला है। और ये तेहरान इंटरनेशनल FICTS फेस्टिवल में इन्हें मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एनुअल अवार्ड मिला है मॉर्गन फ्रीमैन को। यश चोपड़ा अवार्ड मिला है आशा भोसले को। और क्रिस्टल अवार्ड मिला है शाहरुख खान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। एक इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टल अवार्ड शाहरुख खान को अभिनय के लिए नहीं मिला है, इन्हें ये मिला है महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला सवाल है कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम होना चाहिए या नहीं, मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान बजना चाहिए या नहीं, इस पे एक कमेटी बनी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं मिस्टर बी आर शर्मा। कैबिनेट ने जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट कहां तक ले गई है, ये हो गया है 100%। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो फॉरेन एयरलाइन है अब वो 49% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं एयर इंडिया के अंदर, ये भी एक काफ़ी बड़ी वो हुई है डेवलपमेंट। एयर इंडिया में 49% तक विदेशी एयरलाइंस इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये लेकिन अप्रूवल रूट से है या गवर्नमेंट रूट से है जिसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है उसमें 100% FDI उसमें भी हो गया है। इनमें से किस खिलाड़ी ने अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जो बर्मिंगम UK में हुई थी उसमें रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता, ये जीता नील जोशी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जनवरी के अंदर टूर्नामेंट है और उनके विनर हैं जो आपको याद रखने हैं। कोलकाता ओपन 2018 इंटरनेशनल इन्विटेशन स्नूकर चैंपियनशिप जीता आदित्य मेहता ने, ये स्नूकर खेलते हैं। टाटा ओपन महाराष्ट्र मैन सिंगल जिल सिमोन टेनिस, हॉपमैन कप स्विट्जरलैंड टेनिस, ये वैसे मैं महाराष्ट्र ओपन के बारे में बता देता हूँ, हर बार इसे चेन्नई ओपन बोलते थे, ये पहली बार है कि इसको हम महाराष्ट्र में हो रहा है और पुणे के अंदर हो रहा है, ये भी याद रखिए इसका नाम पुणे ओपन नहीं हुआ है बल्कि महाराष्ट्र ओपन है, ये पहला टूर्नामेंट है जो हुआ है महाराष्ट्र ओपन, इसको जीता है जिल सिमोन ने। हॉपमैन कप जीता है टेनिस के लिए स्विट्जरलैंड ने। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल मैन सिंगल जीता निक किर्गियोस ने टेनिस के अंदर। और ATP ऑकलैंड ओपन जूलिया जॉर्जिस टेनिस वुमेन सिंगल। प्रीमियर बैडमिंटन लीग इस बार हैदराबाद हंटर ने जीती है बैडमिंटन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता पाकिस्तान को हरा के, और इससे पहले भी इंडिया ही विनर था दृष्टिहीनों का जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का उसके अंदर। जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये दोनों जीत ली एक ही लड़की ने, अर्चना कामत नाम है, टेबल टेनिस की बात हो रही है। स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल सीरीज ये जीती है सिद्धार्थ प्रताप सिंह बैडमिंटन के लिए। न्यूपोर्ट बीच ATP चैलेंजर मेंस डबल जीता है लिएंडर पेस और जेम्स कैरेटानीन टेनिस के लिए। इंडोनेशिया मास्टर वुमेन सिंगल जीता टाई जू यिंग बैडमिंटन। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कम से कम 9-10 नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार जिसको बोलते हैं हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल, ये अभी अभी कहां पर आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया चाइना में, और चाइना के हेबई प्रोविंस में सबसे बड़ा जो ग्लास ब्रिज है वो भी इनॉग्रेट किया गया था। चाइना की राजधानी बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन है तमिलनाडु का
जिसे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द स्मार्ट पुलिस स्टेशन कैटेगरी इसे डिक्लेयर किया गया है। तो ये सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है, इसका नाम है आर एस पुरम। और अगर पूछ ले कि भाई दूसरे नंबर पे कौन सा है, पंजागुट्टा तेलंगाना में दूसरा बेस्ट है और इंडिया का नंबर वन है आर एस पुरम तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा शहर है जो दूसरा बड़ा शहर बना है जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है? बड़े शहर का मतलब क्या होता है? जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। पहला बना था मुंबई और दूसरा है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहां पे मुरुगावनी नेशनल पार्क भी है। कहां पर साइंटिस्ट ने एक वुडी फ्लावरिंग प्लांट मतलब होते हैं एंजियोस्पर्म, इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो इनमें इसका नाम है प्रिमुला झुई नाम का एक विशेष लुप्त प्राय पौधा साइंटिस्ट ने खोजा है। अभी ये खोजा है यूनान प्रोविंस में और यूनान प्रोविंस है चाइना के अंदर। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है चा बागीचार धन पुरस्कार, जिसके अंदर जो चाय उगाने वाले किसान हैं उन्हें 2500 रुपये सरकार देगी और ये उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने बैंक अकाउंट खोला है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये असम ने किया है। एक बात याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है असम में। और अगर पूछें कि सबसे ज्यादा शहर कौन सा है जिसमें चाय होती है तो दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में ना कि असम में। और ये असम के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम में सोनई रुपई नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मनास नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामेरी नेशनल पार्क है। तो ये सब भी याद रखिए, राजधानी इसकी दिसपुर। और असम में माजुली आइलैंड है एक ब्रह्मपुत्र नदी पे, और माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। एक बात और, ब्रह्मपुत्र नदी पे अभी एक तैरती हुई प्रयोगशाला बनी है जो चेक करेगी कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो कितना साफ है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे बोलते हैं गेल, इसने भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट बनाया है, कौन से राज्य में बनाया है? इसकी क्षमता है 5.76 MWP और गेल के चेयरमैन है बी सी त्रिपाठी। ये भी याद रखिए, बी सी त्रिपाठी, ये लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राम नायक है गवर्नर, और यहाँ पे दूधवा नेशनल पार्क है और एक नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट भी है उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक प्राइस डेफिसिट कंपनसेशन स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है भवंतर भरपाई योजना? याद रखिए, भवंतर भुगतान योजना स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश ने और भवंतर भरपाई योजना स्टार्ट करी है हरियाणा ने। ये है वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कप्तान सिंह सोलंकी हैं यहाँ के गवर्नर। हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। एक और बात, ये भवंतर भरपाई योजना या भवंतर भुगतान योजना सेम है, बस नाम अलग अलग कर दिए हैं। इसमें बेसिकली क्या है, किसान जो है वो मार्केट में जाके सामान बेचेंगे और अगर उन्हें वहां से मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता तो दोनों के बीच का जो भाव का अंतर है वो सरकार उसकी भरपाई करेगी। 1 जनवरी 2018 से जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो सरकार उसका बोझ उठाएगी कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन पे? तो ये उठाएगी 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पे अगले 2 साल के लिए। ये इसलिए किया है जिससे डिजिटल इंडिया जो है उसको बल मिले, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो जो बेचने वाला है वो पे करता है बैंक्स को, तो इसीलिए वो क्या करता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को बचाने के लिए वो डिजिटल वगैरह में पेमेंट नहीं लेता क्योंकि उसे मर्चेंट डिस्काउंट जो रेट है वो पे करना पड़ता है बैंक्स को। तो इसीलिए अब 2000 रुपए तक जो व्यापारी हैं उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना पड़ेगा। इनमें से कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई है, टूरिस्ट पुलिस विंग, ये जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा करेगी? ये बनाया है पौंडेचेरी ने बनाया है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वी नारायण स्वामी, ये कांग्रेस पार्टी के हैं, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं किरण बेदी। एक बात और, ये ब्लू कलर का हेड गियर पहनेगी ये पुलिस, ब्लू कलर का, एक तरह का जैसे हेलमेट टाइप होता है उस टाइप से। और यहाँ के जो डीजीपी हैं वो हैं एसके गौतम। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसकी टाइफॉइड वैक्सीन जिसका नाम है टिप बार, इसको प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस मिल गया है WHO से? प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस का मतलब ये होता है अब ये दवाई अफ्रीका एशिया या दूसरे देशों में बेची जा सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये हैदराबाद की कंपनी है, इसका नाम है भारत बायोटेक। एक बात याद रखिए, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है और WHO के जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस आधानोम और ये इथोपिया के हैं, और जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वो है सौम्या स्वामीनाथन और ये भारत की हैं। भारतीय एयरफोर्स ने अभी अभी
अपना आखिरी मिग 27 ML एयरक्राफ्ट उड़ाया। यह इन्होंने हासीमारा एयरफोर्स बेस पे उड़ाया। इस एयरक्राफ्ट का कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था बहादुर, इसको बोलते थे बहादुर। 11 दिवस तक एक फेस्टिवल चला, धनु यात्रा। ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? ये है उड़ीसा में। ये 1947 में ये फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। अभी अभी जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, जो रिबेल है असम के, उस संस्था के साथ सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए इंटरलोक्यूटर किसे बनाया गया है? इनका नाम है ए बी माथुर। और एक बात याद रखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे, उसके डायरेक्टर है राजीव जैन। इनमें से कौन सा राज्य है जो 39वें राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन करेगा 2022 में? इन्हें अभी अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अप्रूवल मिल गया है, तो ये आयोजित किए जाएंगे मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में है नोक्रेक नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए, मेघालय तीसरा उत्तर पूर्वी राज्य होगा जो नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। इससे पहले मणिपुर और असम में ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। अभी अभी एक बहुत ही हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड बैठा, जिसकी अध्यक्षता करी हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, जो हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर स्टडी करने के लिए एक सेंटर बनेगा। ये सेंटर फॉर ब्रह्मपुत्रा स्टडीज कहां पर बनेगा? आप जानते हैं असम में बहती है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये जो सेंटर बनेगा, ये बनेगा आईआईटी गुवाहाटी में। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने कहा है अगर आप खुले में शौचमुक्त करते हुए पकड़े गए तो तुरंत 500 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा? यानी स्पॉट फाइन लगाया है 500 रुपए का, ओपन डिफिकेशन जो करेगा उसके ऊपर। ये लगाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र अभी तक खुले में शौचमुक्त नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई हो गया है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 अनाउंस कर दिया है। इसमें कितने शहर हैं जिनकी रैंकिंग की जाएगी? हाउ मेनी सिटीज विल बी रैंक्ड? टोटल शहर है 4041। एक बात याद रखिए, पिछली बार 434 शहरों की रैंकिंग आई थी फाइनल 2017 में। सबसे साफ शहर था इंदौर और सबसे गंदा था गोंडा उत्तर प्रदेश का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स ये कमीशन किया है प्लांट। इसकी क्षमता है 1.5 मिलियन टन पर एनम। ये कहां पे लगाया है इन्होंने? ये इन्होंने गुजरात में लगाया है, जामनगर गुजरात में, और मुकेश अंबानी है इसके चेयरमैन। भारत का पहला रोबोकॉप, जिसका नाम हेमंत करकरे जी के नाम पे रखा गया है, शहीद हेमंत करकरे, और ये कहां पे लॉन्च हुआ है? ये भारत का पहला रोबोकॉप। रोबोकॉप मतलब ये रोबोट है और ये पुलिस वाले की तरह काम करेगा। इसको हैदराबाद के अंदर रखा गया है और इसको कंपनी जिसने बनाया है वो है एच बॉट्स रोबोटिक। 5 फुट 7 इंच है इसकी हाइट और इसको तेलंगाना के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी है जयेश रंजन, उन्होंने लॉन्च करा है। इससे ये दुनिया का सिर्फ दूसरा रोबोकॉप ह्यूमेनॉइड रोबोट है। इससे पहले दुबई ने सबसे पहले बनाया था रोबोकॉप। कौन सा कंट्री है जिसने अकेले या डबल एम्प्यूटी मतलब जिसके हाथ और पैर काट दिए गए हो या जो दृष्टिहीन हो, इस तरह के लोगों को पर्वतारोहण से मना कर दिया है? यानी अगर आप अकेले पर्वतारोहण करेंगे तो भी नहीं, अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी नहीं, और अगर आप डबल एम्प्यूटी हैं तो भी आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये किया है नेपाल ने। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है माउंट एवरेस्ट, यहां पर इसे सागर मठ बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, कम्युनिस्ट कोलिशन गवर्नमेंट आया है। और नेपाल जो है, काठमांडू हेडक्वार्टर है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउवा, और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। कितने कंट्री हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है? ये देश है छह के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है इक्वेटोरियल गिनी, एक है आइवरी कोस्ट, कुवैत, नेदरलैंड, पेरू और पोलैंड, ये हैं। और रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिली है कजाकिस्तान को। मैं रिपीट करता हूँ, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिली है कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान के साथ भारत एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है प्रबल दोस्तक। और ये 6 देश मैं रिपीट कर देता हूँ, इक्वेटोरियल गिनी, आइवरी कोस्ट जो अफ्रीका में है, कुवैत, नेदरलैंड, पेरू और पोलैंड। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसकी बर्ड लैंग्वेज, यहाँ पे जो ब्लैक सी के गांव वाले हैं वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, बर्ड लैंग्वेज को, इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसका नाम शुमार किया है? तो ये जो लैंग्वेज बोली जाती है ये तुर्की में बोली जाती है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है।
और पेरिस में ही हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का। यूनेस्को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, भारत में है 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 36वां जो बना था वो था अहमदाबाद शहर। और अभी अभी कुंभ मेला भी इनटेंजिबल वर्ल्ड जो हेरिटेज है उसके अंदर आया था। दो तरह के हेरिटेज होते हैं, एक जो बिल्डिंग पार्क वगैरह होते हैं जिनको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज जो टेंजिबल होते हैं, और एक इनटेंजिबल होते हैं जिनमें भाषाएं त्यौहार वगैरह होते हैं। और यूनेस्को की जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्री अजोले, ऑड्री अजोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑड्री अजोले भी है फ्रांस की। वैज्ञानिकों ने अभी अभी दो नई चींटियां खोजी हैं, एंट स्पीशीज, इनका नाम रखा है टेट्रामोरियम जरावा और टेट्रामोरियम कृष्णानी। कहां पे खोजी हैं ये इन्होंने खोजी हैं हैवलॉक आइलैंड पे। अब ये हैवलॉक आइलैंड कहां पे है? हैवलॉक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहां पे जो एयरपोर्ट है उसे बोलते हैं वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में। और भारत का जो ज्वालामुखी है, भारत के पास दो ही ज्वालामुखी है और दोनों अंडमान निकोबार में है। एक का नाम है बैरन आइलैंड और दूसरे का नाम है नारकोंदाम, NARCONDAM, और दूसरा है बैरन आइलैंड। एक और बात, इनका नाम जरावा क्यों रखा है ये टेट्रामोरियम जरावा? क्योंकि जरावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आइलैंड पे टापू पे रहने वाले लोग हैं अंडमान में उन्हें कहा जाता है। और कृष्णानी इसलिए रखा है क्योंकि NCBS के जो एक साइंटिस्ट होते थे उनका नाम था KS कृष्णन, उनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम टेट्रामोरियम कृष्णानी रखा है। हमारी केंद्र सरकार ने अपना अप्रूवल दे दिया है एक नया एम्स बनाने के लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस पे 1351 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कहां पे बनेगा ये नया एम्स? ये बनेगा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इनमें से पहला बल्लेबाज कौन बना जिसने T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी बनाई? क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोलिन मुनरो, और कोलिन मुनरो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। इन्होंने अपना 3रा जो शतक बनाया T20 में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। इनमें से कौन से राज्य की पुलिस है जिन्होंने अभी अभी डिजिटल एक सिस्टम अपनाया है जिसका नाम है CCTNS, यानी क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम। 61 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें किया है, तो ये है उड़ीसा। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी अभी सौभाग्य योजना स्टार्ट करी है, उसको अपनाया है? जो सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को शॉर्ट में बोलते हैं सौभाग्य, ये राज्य है झारखंड। झारखंड में पलामो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, और झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक 24/7 गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करेगी महिलाओं की सेफ्टी के लिए? तो ये शुरू करेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। अभी ये मंडी में करेगी, शिमला में करेगी और कांगड़ा में करेगी। और हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, आचार्य देवव्रत हैं इसके गवर्नर। और ये सारी हैं वुमेन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। सुरक्षा नाम की ऐप स्टार्ट करी है कर्नाटक की सरकार ने, इसका नाम रखा है सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट करी है हिम्मत। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डब्ल्यू सेफ्टी नाम की एक ऐप स्टार्ट करी है। ईस्टर्न रेलवे ने करी है रेलवे मित्र, यानी आर मित्र। वेस्टर्न रेलवे ने करी है आई वॉच रेलवे, और तेलंगाना की सरकार ने करी है हॉक आई। ये सारी महिला सेफ्टी के लिए ऐप है। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बना रहा है, इको फ्रेंडली ई क्रैकर बना रहा है? यानी ये इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर है जो आवाज करेंगे आपको वो सारा मजा देंगे लेकिन प्रदूषण नहीं करेंगे, तो इसको कौन बना रहा है? इनको बना रहा है CSIR, और CSIR के डायरेक्टर जनरल है गिरीश सहनी। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन HRD के अंदर आता है, तो HRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो है प्रकाश जावड़ेकर। इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाला राज्य है हरियाणा। अमेरिका ने अभी अभी कौन से देश को जो ये 2 बिलियन की एड देते थे आर्थिक सहायता, वो सस्पेंड कर दी है, अब ये नहीं देंगे? तो ये देश है पाकिस्तान। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान में जो आतंकवादी हैं उनसे निपटने में पाकिस्तान ने इनकी कोई मदद नहीं की है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खक्कान अब्बासी। हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, और जो डेप्यूटी हैं इनके, जो इनकी मदद करेंगे वो हैं रॉ के पूर्व चीफ, इनका नाम है राजेंद्र खन्ना। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अभी अभी एक फिल्म जिसका नाम है कश्मीर डेली, ये पहली कश्मीर की फिल्म बनी है जो 45 साल में पिछले जो भारत के अंदर रिलीज हुई है। तो आपको ये बताना है इस फिल्म के
डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है हुसैन खान, हुसैन खान। और इससे पिछली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो 1972 में हुई थी, आज से 45 साल पहले, उसका नाम था शायर ए कश्मीर महजूर, शायर ए कश्मीर महजूर, और उसके बाद अब हुई है कश्मीर डेली। लोकसभा ने एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स बिल 2017 पास कर दिया है। अब कोई भी अगर इमारत है उसके आप कितने डिस्टेंस में कुछ भी सिविल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, अब आप 100 मीटर के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमारे पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस, राजस्थान से अभी अभी ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं। और हमारे कल्चर के मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा। हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस करा है कि भारत अपना दूसरा FTII बनाएगा, यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपने FTII पुणे सुना होगा जो मेन इंस्टीट्यूट है, आपको ये बताना है कि ये कहां पे बनेगा दूसरा वाला, ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। और FTII के चेयरमैन कौन है पुणे के, अनुपम खेर, अनुपम खेर। और अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खेर, वो चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। यहाँ पे तवांग एक डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और चाइना के बीच में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और यहाँ पे एक है माउलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामडाफ नेशनल पार्क, NAMDAPHA। भारतीय मूल के रवि मेनन, इनको एशिया पैसिफिक कंट्रीज का सबसे अच्छा गवर्नर, किसी भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर, जैसे हमारे RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल, ऐसे ही सबसे अच्छा गवर्नर डिक्लेयर किया गया है। ये कौन से देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इनका नाम है रवि मेनन, वैसे भारतीय मूल के हैं, और ये गवर्नर है जो सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है जिसे बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के इतिहास में इनकी पहली बार प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल बनी है, इनका नाम है हालिमा याकूब, हालिमा याकूब। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लुंग। इनमें से कौन सी मूवी है जिसने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा 75th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जीता, यानी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है ड्रामा कैटेगरी में, ये मिला है थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी। और अगर पूछे कि बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में किसे मिला है, तो आंसर है लेडी बर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ये है फ्रांसिस मैकडॉरमंड, और मूवी में इन्होंने एक्ट किया है वो मूवी वही है जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है ड्रामा में, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसूरी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गैरी ओल्डमैन, फिल्म का नाम है डार्केस्ट आवर। बेस्ट डायरेक्टर है द शेप ऑफ वाटर, गिलर्मो डेल टोरो नाम है इनका, इन्होंने डायरेक्ट करी है पिक्चर द शेप ऑफ वाटर। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा द हैंडमेड टेल, और सेसिल डी मिल अवार्ड ये ओपरा विनफ्री को मिला है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने अपना खुद का एक राजकीय चिन्ह उसका उद्घाटन करा है, यानी स्टेट सिंबल लॉन्च करा है, ऐसा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और इसके इसका जो थीम है वो है विश्व बांग्ला, विश्व बांग्ला। इससे पहले उड़ीसा बिहार और तेलंगाना, इनके अपने सील और लोगो ये हैं। चीन जो है उसने अनाउंस करा है कि वो अपना दूसरा फॉरेन मिलिट्री बेस बना रहा है, कहां पे बना रहा है, वो बना रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनका पहला है जिबूटी, जिबूटी जो अफ्रीका का एक देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, दूसरा बनेगा पाकिस्तान में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 10 रुपए का नया नोट निकाला है, इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। इसके ऊपर किसकी तस्वीर छपी है, तो आप यहां देख सकते हैं ये तस्वीर है, और ये तस्वीर है सन टेम्पल, सन टेम्पल सूर्य मंदिर कोणार्क जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उसकी तस्वीर छपी हुई है। इसका रंग याद रखिए चॉकलेट ब्राउन। भनकपुर भारत का दूसरा ऐसा गांव बना है जहां पे ये डिसाइड किया गया है कि रोज जो लोग हैं इकट्ठे होके नेशनल एंथम गाएंगे, यानी राष्ट्रगान गाएंगे। ये कहां पे है भनकपुर गांव, जो भनकपुर गांव है ये है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर है। और अगर पूछ ले कि भाई पहला गांव कौन सा था जिन्होंने ये कहा था कि भाई हम राष्ट्रगान रोज गाएंगे, वो है तेलंगाना का जम्मी कुंटा गांव, जम्मी कुंटा। लोकसभा ने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी बढ़ाने के लिए बिल पास कर दिया है, और मैं बता देता हूं आपको राज्यसभा ने भी पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने अपने साइन कर दिए, यानी कानून बन गया है। अब जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, और जो दूसरे जज हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, तो जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं अभी 45वें हैं, इनका नाम है दीपक मिश्रा, इनकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए से बढ़ के 2.8 लाख। और जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जो जज हैं उनकी सैलरी हो जाएगी 90,000 से बढ़ के 2.5 लाख। तो आपको पता होनी चाहिए पहले कितनी होती थी और अब कितनी होती है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी जो है वो पहले होती थी 90,000 और अब वो भी हो जाएगी 2.5 लाख, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस की सैलरी सेम होती है। और जो हाई कोर्ट के दूसरे जज हैं उनकी सैलरी 80,000 से बढ़ के हो गई है 2.25 लाख। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने भारत का पहला नेशनल पार्क बनाया है उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं,
ये बनाया है तेलंगाना ने। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये वैसा इसमें जानवरों के लिए नहीं है, ये स्पेशल नीड्स वाले पीपल के लिए है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होंगे, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे जो उनकी मदद करेंगे। इनमें से जो एंटी सिख रायट हुए थे, 1984 के दंगे हुए थे सिख समुदाय के विरुद्ध, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 186 केसेस की फाइल दोबारा खोल दी है हमारे, किसने खोली है ये, मतलब इस एक SIT बनाई है हमारे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कौन बना है हेड जो दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये है शिव नारायण ढींगरा। अभी अभी वैज्ञानिकों ने एक नया कीड़ा खोजा है, इसका नाम है एल सिस्मा जीरो एनसिस। ये इन्होंने टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजा है। कहां पे है टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो कीड़ा है इसको हम अपतानी ग्लोरी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अपतानी जो है ये एक अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला रेलवे स्टेशन बना है भारत का जिसने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई है? यहाँ इसका नाम रखा है हैप्पी नारी, यानी महिलाएं यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन ले सकती हैं। तो ये लगाया है अभी अभी भोपाल में। भोपाल भारत का दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के हिसाब से मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कौन से ऐसे दो जहाज हैं जो इंडियन नेवी ने यूज करने बंद कर दिए हैं, यानी उनको डीकमीशन कर दिया है क्योंकि ये काफी पुराने हो गए थे? एक है INS निर्भीक और एक है INS निर्घट। निर्घट को हो गए 28 साल, निर्भीक को हो गए 30 साल। तो इसका आंसर है 1 और 2। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में? यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोनी नाम की जगह पे है जो स्विट्जरलैंड में है। कोलोनी वैसे जेनेवा के अंदर ही आता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीफ है वो है क्लॉस श्वाब। अभी मोदी यहां गए थे प्रधानमंत्री, और 20 साल में वो पहले भारत के प्रधानमंत्री गए थे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस में जो हुई थी उसमें गए थे। इससे पहले HD देवेगौड़ा गए थे 1997 में। हमारी रैंक है 30। नंबर 1 है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, यहाँ की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अभी अभी जो वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी रोहतक में, ये राष्ट्रीय वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी किसे मिली है? बेस्ट बॉक्सर है सरजू बाला देवी। इनमें से किस व्यक्ति को मिला है शेवेलिये दे लॉर्द्र दे आर्थर ए लेत्र? ये फ्रांसीसी भाषा में एक सांस्कृतिक सम्मान है। ये मिला है ऐश्वर्या टिपनेस को। इन्होंने मध्य प्रदेश में एक किला है, और डून स्कूल जो देहरादून है उनके संरक्षण में काफी काम किया है। इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो इसरो ने अभी छोड़ी? ये इनकी सोवी सैटेलाइट थी, इसका नाम है कार्टोसैट द्वितीय। ये एक सर्वेलेंस सैटेलाइट है, और इन्होंने 30 सैटेलाइट दागी है PSLV C40 नाम के अपने लॉन्चर से। इनमें से कौन सा कंट्री है जो अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करा जिसने आयरन फिस्ट, कौन से दो कंट्रीज ने मिलकर करा है इसको? करा है जापान और अमेरिका ने मिलकर, जापान एंड US। और याद रखिए जापान अमेरिका भारत के साथ मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। इसमें भारत का जो जहाज गया था वो है INS विक्रमादित्य, इंडियन ओशियन के अंदर ये की जाती है। इसके अलावा दो एक्सरसाइज और याद रखिए, एक वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका ने मिलकर करी है अभी अभी, वज्र प्रहार सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में। और दूसरी भारत के तटरक्षक ने जापान के साथ मिलकर करी है नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज, ये आपदा प्रबंधन के लिए करी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर। दिल्ली के अंदर जो तीन मूर्ति मार्ग है उसका नाम इसराइल के कौन से शहर के नाम पर रख दिया है? इसका नाम है अब तीन मूर्ति हाइफा मार्ग। हाइफा इसराइल के अंदर एक शहर है, इसराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है शकेल, यहाँ की भाषा है हेब्रू जिसमें बाइबल किताब लिखी गई है। इनमें से कौन से महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है इम्परफेक्ट? ना ये सिर्फ महान बल्लेबाज रहे बल्कि ये एक बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं, इनका नाम है संजय मांजरेकर। इनमें से पहली महिला लॉयर कौन है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। और भारत की जो पहली सुप्रीम कोर्ट जज महिला थी वो थी फातिमा बीवी। गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत का पहला ऐसा प्लांट बना रहा है जो कोयले से सीधा सिंथेटिक गैस बनाएगा। ये भारत का पहला ऐसा प्लांट है, कोल टू सिंथेटिक गैस प्लांट। ये कहां पे लगेगा? ये लग रहा है उड़ीसा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हिसाब से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें जो वायुयान से जो यातायात है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है? इसमें 16.4% तक ग्रोथ हुई है नवंबर 2017 में, ये है इंडिया। इंडिया में जो डिमांड है सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और उड़ान स्कीम भी हमने स्टार्ट करी है, उड़ान का द्वितीय चरण हमने अभी अभी लॉन्च किया है।
कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि वो पहला बैटरी पावर्ड इंटरैक्टिव पेमेंट कार्ड उसने बनाया है, यानी बेसिकली ये एक कार्ड है, इस पे बटन लगे हुए हैं, आप उन बटन को दबा सकते हो, अगर आपको ईएमआई से पे करना है तो अलग बटन है, डायरेक्ट पे करना है तो अलग बटन है इत्यादि। तो एक तरह का ये क्रेडिट कार्ड है जिसको बैटरी से चार्ज किया जा सकता है, ये बनाया है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक जो है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, वो है रमेश सोबती। अभी अभी नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे NFHS4 का डेटा रिलीज हुआ है, इसके हिसाब से भारत में कौन सा ऐसा शहर या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे अमीर है? सबसे अमीर है दिल्ली और सबसे गरीब है बिहार। याद रखिए, सबसे अमीर है दिल्ली, सबसे गरीब है बिहार। भारत में सबसे अमीर जो लोग हैं वो है जैन्स, ये भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो कौन से उसमें देखे गए, हाउसिंग लोन के अंदर, कौन से स्लैब के अंदर, ये देखे गए अप टू ₹2 लाख, यानी जो वो लोग जो घर बनाने के लिए ₹2 लाख से कम का लोन लेते हैं वो बिल्कुल पैसा वापस नहीं चुकाते। और सबसे कम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखे गए वो 25 लाख से ज्यादा, यानी जो जितना ज्यादा लोन लेता है उतना जल्दी चुका भी देता है, ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर देखा गया। कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है कि वो मर्ज हो रहा है, किसके साथ मर्ज हो रहा है? कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्ज हो रहा है IDFC बैंक। IDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव लाल। कुछ और इंपॉर्टेंट मर्जर आपसे पूछे जा सकते हैं, इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल आपस में मर्ज कर रहे हैं, ONGC और HPCL आपस में मर्ज कर रहे हैं। ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है ये भारत की महारत्न कंपनी है, और अभी अभी 8वीं महारत्न कंपनी बनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भारत में 8 महारत्न कंपनी है। वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो रहे हैं, आरकॉम और सिस्टेमा हो रहे हैं, भारतीय एयरटेल और टाटा टेल आपस में मर्ज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई है, ये कमेटी ये चेक करेगी कि अगर कहीं पे चुनाव है तो उससे 48 घंटे पहले क्या वहां पे पोल कैंपेनिंग अलाउ की जानी चाहिए या नहीं। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे उमेश सिन्हा। इनमें से कौन सा हमारा एक्सचेंज है जिसने एग्री ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करी है और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला इंडेक्स है, ये है NCDEX। और याद रखिए ICEX जो है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये दुनिया का पहला है जो डायमंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इसने शुरू करा है। तो दोनों अलग अलग हैं, एग्री ऑप्शन शुरू करा है NCDEX ने, डायमंड्स के अंदर ट्रेड शुरू करा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ने। पहली बार कौन से राज्य की सरकार ऐसी है जिन्होंने अपने कैदियों को परमिशन दे दी है कि वो अंग दान कर सकते हैं अपने परिवार के मेंबर को? इससे पहले सिर्फ वो रक्त दान कर सकते थे, ब्लड डोनेशन कर सकते थे, ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते थे, ये परमिशन दी है केरल ने। केरल के अंदर पंबाडम शोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, त्रिवेंद्रम राजधानी है इसकी, और केरल का एक शहर है जिसे यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के 5 शहरों के अंदर चुना है जो कचरा प्रबंधन सबसे अच्छा करते हैं, इसका नाम है अलपुजा। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, पार्टी का नाम है CPIM और गवर्नर है जस्टिस पी सदाशिवम। जूलियस असांज जो विकीलीक्स के फाउंडर हैं, इन्हें कौन से देश की नागरिकता मिल गई है? इन्हें एक्वाडोर की नागरिकता मिल गई है, एक्वाडोर की राजधानी है कीटो, और वैसे ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और मैलकॉम टर्नबुल है प्रधानमंत्री। इन भारत के कौन से राज्य हैं जिन्होंने नॉर्थ कोयल नदी पे जो काफी लंबे समय से डैम बनने वाला था जो नहीं बना, उसके कंप्लीशन के लिए 1622 करोड़ रुपए का एक MOU साइन करा है? नॉर्थ कोयल नदी के ऊपर जो ये डैम है, बिहार और झारखंड ने इसमें काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बिहार और झारखंड में बन ही नहीं रहा था, ये काफी टाइम से रुका हुआ था। ऐसे ही एक डैम है जिसका नाम है शाहपुर कंडी। पंजाब और जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है शाहपुर कंडी डैम को लेकर। और एक है जमरानी डैम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर विवाद चल रहा है जमरानी डैम के बनने में। कौन सा कंट्री है जिसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 2017 में सबसे ज्यादा लोन लिया? इसने 1.5 बिलियन का लोन लिया, यानी 11,000 करोड़ का लोन लिया, तो ये देश है भारत। नंबर 2 पे था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटेरिएट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड को चलाता है, वो कह रहा है कि आधार कार्ड में फेस रिकॉग्निशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। कब से कर देंगे? ये होगा 1 जुलाई 2018 से फेस रिकॉग्निशन। अभी तक आपको पता होगा फिंगरप्रिंट यूज होते हैं या फिर आपकी आंखों का स्कैन होता है जिसे बोलते हैं आयरिस स्कैन, या फिर वन टाइम पासवर्ड यूज होता है। कौन सा बैंक है जो पहला भारत का बैंक बना है जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 5 लाख करोड़ ऐसा, और ये तीसरी भारत की कंपनी बोल सकते हो आप इसे। सबसे पहली थी रिलायंस,
नंबर दो पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और नंबर तीन पे है एचडीएफसी। लेकिन एचडीएफसी भारत का पहला बैंक है और तीसरी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। और एचडीएफसी बैंक एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एसेट है भारत के 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई यही तीन बैंक है जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक की प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है रजनीश कुमार। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो ब्लॉकचेन हैकाथॉन शुरू कर रही है गवर्नेंस के लिए? यह तीसरा राज्य है भारत का जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नेंस के लिए। पहले दो थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर है और सबसे ज्यादा हाथी है, एलिफेंट है। ये टाइगर सेंसस और एलिफेंट सेंसस के हिसाब से बता रहा हूँ। कर्नाटक में है आंसी नेशनल पार्क, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले नेशनल पार्क। इसके अलावा कुद्रेमुखा टाइगर रिजर्व है, डांडेली टाइगर रिजर्व इत्यादि है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और इसरो का हेडक्वार्टर है। कितने एग्रीमेंट भारत और इसराइल ने साइन करें आपस में? टोटल साइन करें हैं 9, जैसे होम्योपैथी में, मेटल एयर बैटरी, स्पेस, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड इसराइल, ट्रांसपोर्ट, फिल्म को प्रोडक्शन इत्यादि। कौन से राज्य की सरकार ने एक मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू करी है? 1200 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलेगी इस राज्य में 50,000 आर्टिस्ट को, तो ये राज्य है अगेन उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी अभी भारत की बहुत बड़ी रिफाइनरी उसकी आधारशिला रखी। 43,129 करोड़ रुपए की रिफाइनरी है और इसे राजस्थान सरकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर लगा रही है। ये याद रखिए, एचपीसीएल के साथ मिलकर लगा रही है। कहां पे लगी है ये लगी है बाड़मेर में, बाड़मेर राजस्थान में। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर पूछ लें कि भाई भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन लगा रहा है और कहां पे लग रही है, 2,00,000 करोड़ रुपए की लागत से लग रही है। इसे तीन कंपनी मिलकर लगा रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और ये लग रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन करा है? बायोगैस और बायो सीएनजी प्लांट इस राज्य में लगाए जाएंगे, तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है पंजाब, पंजाब में लगाए जाएंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट होगी 5,000 करोड़। कौन से राज्य की सरकार है जिसने अपने जो नागरिक है उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो पेड़ों के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, भाई भाई वाली रिलेशनशिप, फ्रेटर्नल रिलेशनशिप बना सकते हैं? इस प्रैक्टिस को बोलते हैं मिथ या मिट या मितिनी। ये इसलिए किया है जिससे जो पेड़ है वो ना काटे जाएं, ये किया है सिक्किम ने। सिक्किम ने, आपको याद होगा एक बहुत पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, जिसमें जो लोग थे वो पेड़ों से चिपट गए थे जिससे पेड़ काटे ना जाए, उसी तरह का कुछ ये है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना? इनको कई अवार्ड मिले, इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला, वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर भी मिला, टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर भी मिला, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला। सिर्फ एक अवार्ड से चूक गए, वो था टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला स्टीव स्मिथ को और बाकी सारे अवार्ड मिल गए विराट कोहली को। विराट कोहली की शादी भी अभी अभी हुई है अनुष्का से और इनकी शादी टस्कनी नाम की जगह पे हुई है इटली के अंदर, ये भी याद रखिए। और बहुत सारी ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं जैसे मान्यवर इत्यादि, प्यूमा, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको ये एंडोर्स करते हैं। और एक बात याद रखिए, जो भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है उसे मिलती है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज थे। नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर जो है मुख्य सलाहकार रतन वट्टल, इन्होंने अभी अभी पहला ज्ञान कोर्स का उद्घाटन करा है। कौन से आईआईटी में? ये ज्ञान कोर्स है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, ये करा आईआईटी कानपुर के अंदर। और जो ज्ञान है इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क। मैं रिपीट करता हूं, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क। भारत का जो चुनाव आयोग है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि तीन राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें से कौन सा वो नहीं है? सो नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम में नहीं होंगे। याद रखिए मिजोरम में नहीं है, बाकी सब में है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार है, मेघालय के मुकुल संगमा, नागालैंड के टीआर जेलियांग और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त उस वक्त थे अचल कुमार ज्योति, अब नहीं है। तो अब कौन है आप जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट में आपसी मतभेद है जजों के बीच में। 4 जज थे जिन्होंने सार्वजनिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि दीपक मिश्रा जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इनका नाम था जस्टिस चमलेश्वर, मदन लोकुर, गगोई और कुरियन जोसेफ। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इनके बीच विवाद सुलझाए जाएंगे। इस कमेटी का नाम है मनन कुमार मिश्रा कमेटी। कौन सी टीम है जिसने इस बार प्रीमियर बैडमिंटन लीग चैंपियनशिप जीत ली जो हैदराबाद के अंदर हुई थी? इसको जीता हैदराबाद हंटर ने। इन्होंने फाइनल में हराया इस बार बेंगलुरु ब्लास्टर को। बेंगलुरु ब्लास्टर में भी महान खिलाड़ी थे जैसे विक्टर एक्सलसन है जो दुनिया के नंबर 1 मेंस में है रैंकिंग में, और हैदराबाद हंटर में भी महान खिलाड़ी हैं जैसे कैरोलिना मारिन जो स्पेन की खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पीवी सिंधु को हरा के गोल्ड मेडल जीता था। भारत के जो पीस कीपर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने अकोका ब्रिज बना दिया रिकॉर्ड 10 दिन के अंदर। कहां पे बनाया है अकोका ब्रिज? ये बनाया है साउथ सूडान में।
देखिए साउथ सूडान और सूडान अलग अलग देश हैं। साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, सूडान की राजधानी है खारतुम, ये भी याद रखिए। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन के जो इस वक्त जो चीफ है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और ये पुर्तगाल के हैं। इनमें से खेलो इंडिया जो स्टार्ट हो रहे हैं गेम्स, हमारे खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में जीता था रजत पदक सिल्वर मेडल। तो मैस्कॉट कौन बना है हमारा, इसमें दो मैस्कॉट हैं, एक है विजय द टाइगर और दूसरा है जया द ब्लैक बक। तो वन और टू, शुभंकर या मैस्कॉट वो जानवर होते हैं जो एक जगह की संस्कृति दिखाते हैं। भारत में दुनिया के 70% टाइगर हैं, विजय द टाइगर और जय द ब्लैक बक। सो आंसर है वन एंड टू। और इसका एंथम भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है और खेलना चाहते हैं हम, खेल में ही मस्ती है, खेल से आबाद होंगे हम, इस तरह का एक गाना है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने 1% रिजर्वेशन दे दिया है जो लोग यतीम हैं, ऑर्फन हैं, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन के अंदर, और ये एक तरह के पैरेलल रिजर्वेशन है, मतलब इसमें कोई कास्ट वगैरह के बेसिस पे नहीं दिया है, ये ऑर्फन जो है किसी भी जात का हो सकता है, ये दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, तड़ोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवसेना भाजपा की गठबंधन सरकार है, लवनी यहाँ का एक स्टेट डांस है। तीन राज्य हैं भारत के जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम से अपना नाम वापस ले लिया है। तो स्कीम ये थी कि 115 भारत के जो अति पिछड़े जिले हैं उनका विकास किया जाएगा। अब तीन राज्य हैं जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो इनका नंबर घटके हो गया है 102। कौन से हैं ये तीन राज्य? तो ये तीन राज्य हैं, एक तो है वेस्ट बंगाल, केरल और उड़ीसा, पंजाब उनमें से नहीं है। और एक बात याद रखिए, एक स्कीम है जिसका नाम है उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, भारत के सारे राज्य ज्वाइन कर चुके हैं सिवाय दो के। ये दो कौन कौन से हैं? एक है उड़ीसा और एक है बंगाल। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा मिला है, इसका वजन है 182 ग्राम और इसकी प्यूरिटी है 910 कैरेट, एक कैरेट में होते हैं 100 सेंट। कहां पे मिला ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हीरा? ये मिला है अभी अभी लेसोथो में। लेसोथो अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी है मसेरू। कौन से राज्य की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन करा है अभी अभी केंद्र सरकार के साथ, इसका नाम है स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप। सो बेसिकली इसके अंदर जो इस राज्य के बच्चे हैं वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, लगभग 9000 बच्चे हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहाँ के गवर्नर हैं NN वोहरा, महबूबा मुफ्ती हैं यहाँ की CM, PDP पार्टी है, रूलिंग पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ पे किश्तवार नेशनल पार्क है, डचीगम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। याद रखिए डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे डल लेक है, वुलर लेक है, तो बहुत कुछ है जम्मू कश्मीर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 10 रुपए के सिक्के जो हैं सारे वैलिड हैं, वैध हैं, आप उनको लिया करिए, और अगर कोई दुकानदार लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट केस हो सकता है। कितने तरह के 10 रुपए के सिक्के चलाए हुए हैं? टोटल 14 तरह के 10 रुपए के सिक्के चलित हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने एक फुकुओका प्रेफेक्चर नाम का जो राज्य है जापान का, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है, ये आपसी सहयोग करेगा, ये साइन करा है दिल्ली ने। कौन सा राज्य है जिसने कचरा इकट्ठा करने के लिए एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ड्राइव शुरू करा है अपनी अर्बन बॉडीज के साथ? तो ये स्टार्ट करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और भारत का सबसे साफ इंदौर और दूसरा सबसे साफ भोपाल दोनों है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की नई गवर्नर बनी है आनंदीबेन पटेल। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए यही आ गया कि मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन बनी है? आनंदीबेन पटेल बनी है, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनमें से एक अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, वहां से कोलकाता होते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक एक बस सर्विस जाएगी, इस बस सर्विस का नाम क्या होगा? इसका नाम है मैत्री द्वितीय। एक और बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में दो ट्रेन चलती है, एक है बंधन एक्सप्रेस, एक है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा कंट्री है जिसने मिलेट मतलब होता है बाजरा, तो 2018 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया है? ये कर्नाटक की रिक्वेस्ट पे करा है, भारत में नंबर वन जो प्रोड्यूसर है मिलेट का वो है कर्नाटक, तो ये करा है इंडिया ने। और कर्नाटक ही भारत में कॉफी का प्रोड्यूसर है नंबर वन, यहां पे कॉफी सबसे ज्यादा होती है कोडागू में और फिर चिकमंगलूर में। कौन सा राज्य है जो अपना सबसे पहला इंटरनेशनल मार्शल आर्ट गेम्स होस्ट करेगा? ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के अंदर करेगा, जो यहां की राजधानी है। कौन से राज्य की सरकार ने अनाउंस करा है कि यहाँ पे अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम लगेगा मार्च 2018 में, अगर कोई सुनामी आता है या कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तो ये पहले ही बता देगा? ये लगाया जाएगा उड़ीसा के अंदर, और वर्ल्ड बैंक इसे फंड करेगा, 75 करोड़ रुपए का खर्चा इसके अंदर आएगा। इनमें से कौन सी मोबाइल ऐप है जो लॉन्च हो गई है, जो ये चेक करके आपको बता सकती है कि नोट असली है कि नकली है? इस ऐप का नाम है चेक फेक,
और कंपनी का नाम भी है चेक फेक। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं तन्मय जायसवाल। इनमें से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेडी सेलिब्रेशन किया। इसमें भारत की पहली एक्टर कौन है या एक्ट्रेस कौन है जिन्हें ग्लोबल आइकॉन का खिताब मिला है, इनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारी जो मंत्री है वो है उनका नाम है मनेका गांधी। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है और इनके बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अनाउंस करा है कि तीन नदियां हैं काली, कृष्णा और हिंडौन, इनकी जांच की जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। कहां पे है ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए, एक कृष्णा नदी दक्षिण भारत में है, महानदी गोदावरी, कृष्णा कावेरी आपने सुना होगा दक्षिण भारत की नदियां हैं, लेकिन ये कृष्णा नदी जो है ये बागपत में है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक 4000 करोड़ रुपए की स्कीम स्टार्ट करी है हेल्थ के लिए? इसका नाम है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना। इसको स्टार्ट करने वाला राज्य है महाराष्ट्र और इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे गर्ल चाइल्ड वीक मनाया गया? गर्ल चाइल्ड वीक और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आप जानते हैं 24 तारीख को होता है, ये मनाया गया दिल्ली के अंदर। हमारा भारत का खुद का बनाया हुआ कौन सा हेलीकॉप्टर है जो रिपब्लिक डे परेड में दिखाया गया था इस बार? इसका नाम है रुद्र। वियोरिका डांकिला ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? क्योंकि इस देश के जो प्रधानमंत्री थे मिहाई टुडोस, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मिहाई टुडोस, ये जो देश है इसकी राजधानी है बुकारेस्ट, इस देश की मुद्रा है लीव, ये देश है रोमानिया। कौन से कंट्री के साथ भारत एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज कर रहा है सुंदरबन में? सुंदरबन जो है आप जानते हैं भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ते हैं, तो आंसर है बांग्लादेश। कौन सी टीम है जिसने 2018 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जो शारजा में हुआ था? शारजा है संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, इसकी राजधानी अबू धाबी, तो ये देश है इंडिया। इंडिया ने हराया पाकिस्तान को। भारत की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डेलीगेशन गया था उसको लीड किसने किया? ये गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डावोस के अंदर ये हुई थी और ये पहले प्रधानमंत्री है पिछले 20 साल में जो यहाँ पे गए थे, इससे पहले गए थे एचडी देवेगौड़ा। और यहाँ पे जैसा आपको पता होगा कि क्रिस्टल अवार्ड मिला शाहरुख खान को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था इस बार क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। भारत जो है वो एक सोलर डेवलपमेंट फंड बना रहा है जो हमारे सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने के लिए। कितना पैसा इसके अंदर रखा जाएगा? इसमें पैसा रखा जाएगा $350 मिलियन सोलर फंड के अंदर। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना हुआ है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इसे सूर्यपुत्र कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, COP21 पेरिस एग्रीमेंट के वक्त ये बना था। हमारा जो नागरिक परिवहन मंत्रालय है उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है सब में GPS होगा और सब में अलर्ट बटन होगा। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कब से होगा? याद रखिए, थ्री व्हीलर और ऑटो रिक्शा पे ये और जो नॉर्मल रिक्शा है उन पे अप्लाई नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और थ्री व्हीलर पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2018 से, यानी वित्तीय वर्ष जब स्टार्ट हो जाएगा 2019 तब से। अभी अभी किसने लॉन्च किया भारत के वीर? इसमें लगभग 13 करोड़ रुपए रेज किए गए थे हमारे जवानों के लिए। इसका ऑफिशियल एंथम गाया है कैलाश खेर ने। इसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अभी अभी लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च करा है भारत के कितने शहरों के लिए? हमारे इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। ये लॉन्च हुआ है 116 शहरों के लिए। इनमें से भारतीय नेवी का कौन सा जहाज है जो इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स के No. 6 स्क्वाड्रन से जिसने अपने आप को औपचारिक तौर पर जोड़ लिया है? इस जहाज का नाम है INS विक्रमादित्य। ये हमारा एकमात्र कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे हमने रशिया की मदद से बनाया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है इस बार? 63वां जियो फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए उसमें बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये मिला इरफान खान को। और ये सारे अवार्ड जो आपको याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म हिंदी मीडियम, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स न्यूटन, बेस्ट डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी बरेली की बर्फी पिक्चर के लिए, बेस्ट एक्टर फीमेल विद्या बालन तुम्हारी सुलू के लिए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ये जो हमारे बायोकेमिकल वगैरह वेपन होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन, उनको यूज करने से रोकता है कंट्रीज को। भारत इसका कौन से नंबर का मेंबर बना है? भारत इसका बना है 43वां मेंबर। और याद रखिए, भारत MTCR का मेंबर भी है और वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर भी है। चाइना इन तीनों में से किसी का मेंबर भी नहीं है। अब भारत सिर्फ दो चीज का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। सुर फेस्टिवल, इसका नाम अब पलट के हो गया किसके नाम पर, मतलब किस महान सिंगर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा सुर गिरिजा देवी त्योहार, सुर गिरिजा देवी फेस्टिवल, तो आंसर है गिरिजा देवी।
कौन से राज्य की सरकार ने टोक्यो के साथ एक उनकी जो क्लीन अथॉरिटी है उसके साथ एक एग्रीमेंट करा है, अब जो कचरा प्रबंधन है उसमें ये मदद करेगा टोक्यो हमारी इस राज्य की, तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है तेलंगाना। इनमें से कौन सी फोर्स है, कौन सी हमारी सेना है जिसने अपना 13वां रेजिंग डे मनाया 19 जनवरी को, ये है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल है संजय कुमार। दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग मिली है, अभी अभी कहां पे मिली है, ये मिली है मैक्सिको में, मैक्सिको में मिली है और लगभग 215 मील लंबी है ये। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अभी अभी एक इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च करा है, इसको लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा, इसका नाम रखा है OEHMIS। पहली बार ब्लॉकचेन एकेडमी कहां पे बनेगी भारत के अंदर, ये बनेगी केरला में। और अगर पूछ रहे भाई केरला में कहां पे बनेगी, तो यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITMK यहां पे बनेगी। निर्मला सीतारमन जो हमारी रक्षा मंत्री है, ये पहली भारतीय रक्षा मंत्री बनी है जिन्होंने, पहली महिला भारतीय रक्षा मंत्री बनी है जिन्होंने कौन सा इनमें से प्लेन उड़ाया, ये इन्होंने उड़ाया सुखोई 30 MKI जोधपुर से इन्होंने अपनी उड़ान भरी। भारत में कितने स्मार्ट सिटी ऐड हो गए हैं और इन पे खर्चा होगा 12,824 करोड़ रुपए, पहले थे 90, अब 9 जोड़ दिए हैं तो टोटल हो गए हैं 99, तो आंसर है 9। कौन सी गाड़ियों की कंपनी है जिन्होंने भारत की पहली भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल अभी अभी लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है मर्सिडीज बेंज ने, और जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्कल, राजधानी है बर्लिन। अभी अभी नए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, इनका नाम है ओम प्रकाश रावत, ये रिप्लेस करेंगे अचल कुमार ज्योति को, और अशोक लवासा इनकी जगह लेंगे। अशोक लवासा भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी थे पहले, अभी हैं हसमुख अधिया, इससे पहले थे अशोक लवासा। 180 कंट्री में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, भारत की रैंक है 180 में से 177, नीचे से चौथे नंबर पे है, और नंबर वन है इसमें स्विट्जरलैंड। भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में, हमारी रैंक अगेन बहुत पीछे है, इसमें टोटल 103 कंट्री हैं जिनमें 29 हैं एडवांस कंट्री और बाकी हैं प्रगतिशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें 29 कंट्री में तो हम नहीं आते। इसमें नंबर वन है नॉर्वे, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं जो विकासशील देश हैं इनमें लिथुएनिया है नंबर वन, और भारत की रैंक बहुत पीछे है, हमारी रैंक है 62। अभी अभी पहली महिला कौन है जिन्हें सिनेमाटोग्राफी के लिए अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिला है, इनका नाम है रचेल मॉरिसन, और जिस मूवी के लिए मिला है वो है मड बाउंड। आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं है जो ऑस्कर्स अकेडमी अवार्ड में सिनेमाटोग्राफी के लिए नॉमिनेट हुई हो। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, तो अभी जो इससे पहले थे वो थे के सिवन, लेकिन के सिवन अब बन गए हैं इसरो के चेयरमैन, जगह खाली हो गई, वो भरी अभी अभी मिस्टर एस सोमनाथ ने। हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो हमारे सरकारी बैंक है उनमें 88,139 करोड़ रुपए का जो धन है वो इन्फ्यूज किया जाएगा, पुनर्पूंजीकरण बैंक का किया जाएगा। आप ये बताइए सबसे ज्यादा धन कौन से बैंक में झोंका जाएगा, ये बैंक है IDBI बैंक, और टोटल बैंक है 20 जिनके अंदर धन जाएगा। IDBI बैंक में सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपए, और इंद्रधनुष स्कीम के तहत जो एलोकेशन है वो है 70,000 करोड़। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड वॉर टू मेमोरियल म्यूजियम बनाया है चंगलंग डिस्ट्रिक्ट में, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने कितने आम आदमी पार्टी के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे, ये है 20, अब यहां पे बाई इलेक्शन होंगे। सरकार जो है वो भारत पर्व मना रही है, 26 से 31 तक इन्होंने मनाया, कल ही खत्म हुआ है, तो कहां पे मनाया, ये मनाया लाल किले यानी रेड फोर्ट के ऊपर। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिले के वाइज वेदर एडवाइजरी इशू कर सकती है किसानों को, ये बनाया महाराष्ट्र की सरकार ने। अभी अभी जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, इनका नाम है दिलीप चनोय, और जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है प्रोफेसर संजय बारू। कौन सा राज्य है जिन्होंने एक स्कीम चलाई है, अगर यहाँ पे 18 साल से कम उम्र का कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसे भोजन दिया जाएगा, न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ये स्कीम अभी स्टार्ट करी है हिमाचल प्रदेश ने, और भारत का टारगेट है HIV को खत्म करने का 2030। कौन से राज्य की सरकार ने एक सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट करा है कैंटोन ऑफ जूरिक के साथ, जूरिक जो जगह है यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर है, फुटबॉल गवर्निंग बॉडी, फीफा का वर्ल्ड कप इसी साल होगा रशिया में और 2022 में होगा कतर में, तो ये है आंध्र प्रदेश। अभी अभी
हमारा कौन सा ऐसा जहाज है जिसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ, उसने अपनी फ्लाइट अभी अभी भरी बेंगलुरु से। ये हमारा खुद का बनाया हुआ लड़ाकू विमान है, इसका नाम है सरस। सरस और चिनूक जो है ये एक हेलीकॉप्टर है। हमारे आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक, आयुष जो है वो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसके लिए है। यूनानी मतलब यूनान से आया था, ग्रीस से आया था, और सिद्धा तमिलनाडु से आया था। तो ये हमारे ट्रेडिशनल यानी परंपरागत हमारे मेडिसिन सिस्टम है। इन्होंने डिसाइड करा है कि ये एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बनाएंगे। कहां पे बनेगा ये CIRH? ये बन रहा है पिंक सिटी जयपुर के अंदर, जो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान में सेल्स का नेशनल पार्क है, यहाँ पे रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क है इत्यादि। कितने एयर रूट हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 15 एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को दिए हैं उड़ान 2 के तहत? ये एयर रूट है 325। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसमें अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, यानी वो एयरपोर्ट जहां पे कोई फ्लाइट नहीं जाती और वो एयरपोर्ट जहां पे बहुत कम फ्लाइट जाती है उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। और उड़ान की पहली फ्लाइट गई थी शिमला से दिल्ली, वो था उड़ान 1, अब हो गया उड़ान 2। और इसमें सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट मिले हैं वो मिले हैं उत्तराखंड को, दूसरे नंबर पे मिले हैं उत्तर प्रदेश को। कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टार्ट करी है? इस राज्य में जो किसान उगाते हैं, इस राज्य का जो खुद का प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यह स्टार्ट करा है अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इनमें से किसे मिला है क्रिस्टल अवार्ड? ये अब बड़ा आसान सवाल हो गया, अब तक शाहरुख खान को मिला है। भारत की क्या रैंक है टैलेंट कंपेटिटिवनेस के अंदर? ग्लोबल इंडेक्स ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की रैंक बहुत पीछे है, हमारी रैंक है 81। नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 है सिंगापुर। वर्ल्ड बैंक जो है भारत को $120 मिलियन का लोन दे रहा है, यानी लगभग 700 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है। कौन से राज्य में पानी की सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए? ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर है कर्नाटक के बाद। यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर है, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है रोड किल्स? रोड किल क्या है? अगर आप मान लो किसी जानवर को देखते हो जो कट के मर जाता है रेलवे की पटरी पे या किसी गाड़ी से, तो आप उसका फोटो खींच के इस ऐप पे अपलोड कर सकते हो और तुरंत उस पर कार्यवाही होगी। इसको बनाया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने। अभी अभी भारत और आसियान के बीच कोमेमोरेटिव समिट हुआ, क्योंकि हमारे 25 साल के संबंध पूरे हो गए आसियान के साथ। कहां पे ये हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ और इसका थीम था शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी। और 10 हमने हेड ऑफ स्टेट बुलाए थे, सबके सब आए थे। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, इन्होंने भारतीय तटरक्षक के लिए एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया है, यानी जो निगरानी का काम करेगा, इसका नाम क्या है? पहले इन्होंने बनाया था उसका नाम था विक्रम, अब जो बनाया है उसका नाम है विजय। इनमें से किसे इस बार पद्म विभूषण नहीं मिला है? नहीं मिला है ये बताइए। तो ये गुलाम मुस्तफा खान को मिला है, इलाया राजा को मिला है, पी परमेश्वरन को मिला है, आर नागास्वामी को नहीं मिला है। तो पद्म जो अवार्ड है 3 मिले हैं विभूषण, 9 मिले हैं पद्म भूषण, 73 मिले हैं पद्म श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा पद्म अवार्ड मिले हैं अगर वैसे देखा जाए, स्टेट वाइज देखा जाए तो। इनमें से सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है? 60th ग्रैमी अवार्ड जो हुए थे, ये म्यूजिक के नाम पे सबसे बड़े अवार्ड होते हैं ग्रैमी अवार्ड। इसमें साल का सर्वश्रेष्ठ गीत ये है दैट्स व्हाट आई लाइक ब्रूनो मार्स। और ये बाकी अवार्ड हैं। एल्बम ऑफ द ईयर है 24K मैजिक ब्रूनो मार्स, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है 24K मैजिक ब्रूनो मार्स, पॉप सोलो परफॉर्मेंस शेप ऑफ यू एड शीरन, पॉप वोकल एल्बम एड शीरन, कंट्री सॉन्ग जो है वो है ब्रोकन हलोस और क्रिस स्टेपल्टन, रैप सॉन्ग है हम्बल केंड्रिक लमार, रॉक सॉन्ग है रन फू फाइटर, और स्कोर साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया मिला है लाला लैंड को। इसमें बस आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस ऊपर के 3 याद रखिए, एक तो जो मैंने आपको बताया ये सॉन्ग ऑफ द ईयर, और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बस। कौन सा कंट्री है जिसने एग्रीमेंट साइन करा है भारत के साथ अजम्पशन आइलैंड के ऊपर भारत को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन दे दी 20 साल के लिए? यह है भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर। इनकी जगह ले लेंगे विजय केशव गोखले, ये रिटायर हो गए हैं, एस जयशंकर। ये देश है शैशल। इनमें से कौन सा मंत्रालय है हमारा जिन्होंने स्त्री स्वाभिमान नाम का इनिशिएटिव लॉन्च करा है महिलाओं के हेल्थ और हाइजीन के लिए? ये लॉन्च करा है अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो हमारे कानून मंत्री भी हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एजुकेशन चैंपियन का अवार्ड मिला है? ये है IIT गाजियाबाद। ये अनाउंसमेंट हुई थी डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में।
भारत ने अभी अभी अपना सबसे पहला कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक टिकट लॉन्च करा है इस देश के साथ मिलके। ये देश कौन सा है? ये देश है वियतनाम। और इस डाक टिकट पे सांची स्तूप की फोटो है और थियन मू पगोड़ा की फोटो है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनमें से कौन सी दवाई है रोटा वायरस से निपटने के लिए, दवाई का नाम लिख दिया रोटा वैग है, रोटा वायरस से निपटने के लिए है, बच्चों में डायरिया लूज मोशन दस्त वगैरह कम करती है, इससे बच्चों में जो मृत्यु दर है वो कम होगी। इस दवाई को प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस मिल गया है, यानी ये दवाई अफ्रीका अमेरिका वगैरह में बेची जा सकती है। ये किसने डेवलप करी है? इसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने और अगेन ये हैदराबाद में बेस्ड कंपनी है। मृत्युपरांत किसे अशोक चक्र मिला इस बार 69th रिपब्लिक डे राजपथ के ऊपर? मृत्युपरांत मरने के बाद मिला है कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। और ये बड़ा ही एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि जब ये इनके परिवार वाले अवार्ड लेने आए तो राष्ट्रपति रो पड़े, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आंखों में आंसू आ गए। और इस बार आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि 10 जो आसियान के गेस्ट आए थे तो उसमें जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, जो भी टॉप पे होता है, वो कौन था? ब्रुनई के सुल्तान आए थे, सुल्तान हसानो नल बोलकैया, ब्रुनई दासुसलम। कंबोडिया के हुन सैन प्रधानमंत्री हैं ये। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं वहां पे जोको विडोडो आए थे। लाओस के प्रधानमंत्री आए थे थोंग लाउन सिसुलित, ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे नजीब रजाक। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आई थी आंग सांग सू की, विदेश मंत्री है बेसिकली। फिलीपींस के राष्ट्रपति आए थे रोड्रिगो दुतर्ते, फिलीपींस के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते आए थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग आए थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री आए थे प्रयुत चन ओचा और वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे नगायुन जुआन फुक। पांचवा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिला है आशा भोसले को, मशहूर सिंगर आशा भोसले। भारत ने अभी अभी एग्रीमेंट साइन करा है यूएन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ। भारत मिजोरम और नागालैंड में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए, उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए कितना धन लेगा यूएन इंटरनेशनल फंड से? जो धन हमें मिल रहा है वो है $168 मिलियन और ये 12 डिस्ट्रिक्ट में यूज होगा, 12 आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में यूज होगा। बस ड्राइवर जिसने 52 अमरनाथ पिलग्रिम्स की जान बचाई अपनी जान पे खेल के, उन्हें मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक। क्या नाम है इन ड्राइवर का? इनका नाम है शेख सलीम, शेख सलीम। कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने महात्मा गांधी सरबत विकास योजना स्टार्ट करी है? ये स्टार्ट करी है पंजाब ने। इसमें जो डिस्ट्रेस यानी जो स्ट्रेस में सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें हेल्प मिलेगी, तो आंसर है पंजाब। इनमें से पहले नेपाली प्लेयर कौन है जो आईपीएल में खेलेंगे, आईपीएल फ्रेंचाइज में खेलेंगे, इनका क्या नाम है? इनका नाम है संदीप लमिछाने। इन्हें दिल्ली डेयर डेविल ने खरीद लिया 20 लाख रुपए में। भारत की पहली तैरती हुई मार्केट कहां पे बनी है? कोलकाता में बनी है। कहां पे? कोलकाता में। कहां पे बनी है? ये बनी है लेक पटोली में, लेक पटोली। इसमें 228 दुकानें लगी हैं, तैरती हुई मार्केट है। भारतीय मूल का कौन सा बच्चा है जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन तक को फेल कर दिया? मेंसा आईक्यू टेस्ट में इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर आया है। इस बच्चे का नाम है, 10 साल का बच्चा है, मेहुल गर्ग, मेहुल गर्ग। इनमें से पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है इंडियन बैंक एसोसिएशन की? यह सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम, उषा अनंत सुब्रमण्यम। और याद रखिए ये अलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है, इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक की थी। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पूर्व चेयरमैन है। चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक की प्रेसिडेंट है। शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कौन से राज्य की सरकार ने एक हेलीपैड पॉलिसी बनाई है? हेलीपैड पॉलिसी, 356 तालुका है जहां पे हेलीपैड बनेगा हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए, ये बनाया है महाराष्ट्र ने। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उन्होंने अभी अभी भारत आसियान मैत्री पार्क का उद्घाटन करा। कहां पे बना है ये भारत आसियान मैत्री पार्क? ये बना नई दिल्ली के अंदर। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शक्ति ऐप शुरू करी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए? इसको शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इतना ही नहीं, इन्होंने गुड़िया हेल्पलाइन भी बनाई है। इनमें से कौन सा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ये है आधार। इनमें से कौन से राज्य का जो झांकी थी, इसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला इस बार? तो ये छत्रपति शिवाजी का इन्होंने झांकी निकाली थी, महाराष्ट्र को मिला है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर किसने रिजाइन कर दिया है? इन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है हम उसमें छेड़छाड़ करते थे, तो वर्ल्ड बैंक ने इन्हें निकाल दिया है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम, इनका नाम है पॉल रोमर। पहली बार साइंटिस्ट ने प्रतिरूपण करा है, कौन से देश के वैज्ञानिकों ने बंदरों का प्रतिरूपण करा है? प्रतिरूपण मतलब क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब बिल्कुल हूबहू वैसा बना देना।
न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज करके, ये करा है चीन के वैज्ञानिकों ने। अभी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम है, इन्होंने मारियन सिलिच को हराया, इनका नाम है रॉजर फेडरर। MHRD जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है भारत में एक नया IIIT बनेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनेगा। कहां पे बनेगा ये बनेगा भारत के अंदर रायचूर में, और रायचूर कहां है, रायचूर है कर्नाटक में। कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी अभी, जिन्हें मिला है यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट, क्योंकि रंगनाथ स्वामी टेम्पल का अच्छे से इन्होंने देखरेख करा है, संरक्षण करा है, ये मिला है एडापड़ी पल्ला स्वामी को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ये, और पार्टी का नाम है AADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कझागम। तमिलनाडु में है मुकुर्थी नेशनल पार्क और गुइंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, भरतनाट्यम डांस है तमिलनाडु का। DOPT के हिसाब से अभी अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उनमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनको है उनके लिए कोटा 3% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 3% से बढ़ा के कर दिया है 4%। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब अगर किसी को एसिड अटैक हो, मतलब कहने का मतलब 40% से कम नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटी, तो इनमें एसिड अटैक विक्टिम भी आते हैं, इनमें जॉब जो है ग्रुप A, B और C की जॉब होती है। तो ये था बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं अति ज्ञानवर्धक मेरा वीडियो, बहुत मेहनत और उससे बनाया है ये, काफी एनर्जी के साथ बनाया है, मैं थक चुका हूँ इस वक्त, और मुझे अभी इंग्लिश का भी वीडियो रिकॉर्ड करना है क्योंकि जो दक्षिण भारत के हमारे छात्र हैं वो अंग्रेजी भी में देखना चाहते हैं। तो मैं चलता हूँ अभी, आपकी आज्ञा लेता हूँ, और फरवरी में मैं करंट अफेयर ऐसे ही लाता रहूंगा, और इससे पहले मैं जाऊँ हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ये पेड कोर्सेज हैं, ज़्यादातर कंटेंट हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चैनल को जिंदा रखने के लिए हम कुछ पेड कोर्सेज भी सेल करते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं StudyIQ.com पर जाकर। थैंक यू सो मच।